अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की दुनिया में हम सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके चहेते लवली उमर और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। बीसीसी बारामूला के कप्तान जुबैर डार ने टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और सिटी हंकर्स जिम खाना की सलामी जोड़ी जो है वो अब मैदान के अंदर आई है। नई गेंद जो है उमर लोन के हाथों में दी गई है, जो बिल्कुल कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी करेंगे और देखना होगा कि ये एक बड़ा मुकाबला है। ऐसे में किस तरह की गेंदबाजी ये करेंगे, ये एक बहुत बढ़िया देखने योग्य होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी महनवाज अशरफ। महनवाज, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम आप सभी व्यूवर्स को। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आज एक निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा सुभान स्टेडियम में, एक ऐतिहासिक मुकाबला जिसकी सबको इंतजार था। सिटी जिमखाना बनाम पीसीसी बारामूला, गेंदबाजी जो है वो उमर लोन के हाथों में थमा दी गई और सेमीफाइनल में इस गेंदबाज ने काफी ज्यादा प्रभावित किया था अपने गेंदबाज से और शुरुआती में नई गेंद से ये काफी ज्यादा कारगर सिद्ध साबित होते हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। आज आप एक निर्णायक मुकाबला देखिए इसके माध्यम से। और आतिफ नबी जो है, जो आबिद नबी के भाई हैं, वो इस समय मैदान के अंदर आए हैं। पिछले सेमीफाइनल में उन्होंने एक अच्छी पारी जरूर खेली है, वो आपने सभी ने देखा होगा। उमर लोन ठीक कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी करेंगे। नई गेंदबाजी उसके हाथों में नहीं दी गई है और जब ये नए गेंदबाजी से गेंदबाजी करते हैं ये बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। अंपायर ने कहा लेट्स प्ले, तो खेल शुरू किया जाए। आतिफ नबी स्ट्राइक पे हैं, सामना करेंगे पहली गेंद का। उमर लोन और दो विकेट आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंदबाजी, गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए बाई के रूप में ये रन अर्जित होते हुए। जी बिल्कुल, हर किसी मैच में जो पहला रन होता है वो आसानी से नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर पहली गेंद उमर लोन की दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से काफी उंधी और कीपर भी चूक गए, गेंद सीमा रेखा से पार चार रनों के लिए, तो पंजा खोल दिया यहाँ पर सिटी जिमखाना ने। पांच रन बोर्ड पे लग चुके हैं और जहाँ रन तो बने हैं बोर्ड के ऊपर, लेकिन बल्ले से नहीं, इस बार भाई के रूप में रन अर्जित होते हुए उमर लोन अगली बार और दो विकेट फिर से आ रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद कट किया था, वहां थर्ड मैन के बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को सरलता के साथ उठाया बुरान नबी ने और तब तक बड़ी आसानी के साथ बल्लेबाजों ने एक रन दौड़ के पूरा किया। इस एक रन के साथ छह रन बोर्ड के ऊपर और ये उमर लोन की अच्छी गेंद थी, बिल्कुल पड़ने के बाद अंदर की ओर कांटा बदलती हुई गेंद महनाज थी और बल्लेबाज ने वहां सरलता के साथ गेंद को खेला था। कुल मिला के जो शुरुआती ओवर है उनको सही तरह से खेलना बहुत जरूरी, ये आप बल्लेबाज ही जानते हैं। इस बार बढ़िया गेंद, पैरों पर गेंद लगती हुई, अपील हो रहे हैं लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं उस अपील का। जी बिल्कुल, एक बहुत ही बढ़िया गेंद, आपकी बार जो गेंद है थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और वहां पर चिंतित हुए बल्लेबाज भाग्यशाली रहे कि अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी नहीं की। लवली, आज क्या लग रहा है आपको, जुबैर डार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और हर एक टीम चाहती है कि हम फाइनल में पहले बल्लेबाजी करें। और बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जुबैर डार ये बल्लेबाजी जानते हैं कि वर्षा होने की भी बहुत ज्यादा संभावना है आज के दिन को लेके, उस लिहाज से उन्होंने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इस बार बढ़िया गेंद थी, बल्ले और पैड को क्लोज मिलाकर गेंद को सम्मान दिया, बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, उमर लोन ने खुद जाकर गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई भी प्रश्न मौजूद नहीं था। जहांगीर बख्शी जो बारामूला का वॉल उनको माना जाता है, वो इस समय उमर लोन से बातचीत थोड़ा बहुत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लंबा अनुभव उनके पीछे है, अपना अनुभव पूरी तरह से झोंकते नजर आ रहे हैं। उमर लोन अगली बार फिर से और दो विकेट आ रहे हैं, इस बार अंदरूनी किनारा और गेंद जाकर सीधे विकेट पे लगी और ये पहला विकेट का पतन, पहला दचका सिटी हंकर्स जिमखाना को लगता हुआ। एक खराब सोच यहां पर रियाज की ओर से, शरीर से काफी दूर गेंद थी और कट करने का प्रयास किया था लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा छुआ और गेंद स्टंप्स पर लगी और पहला झटका लगता हुआ यहां पर सिटी जिमखाना को और उमर लोन के खाते में ये पहला विकेट। और हम
हमने पहले इसका जिकर किया है कि उमर लोन कुछ उस प्रकार के गेंदबाज है, ये नई गेंद से विकेट चटका के देके अगर इस अपने टीम को अगर इस प्रतियोगिता की बात करें। केएल रियाज जो आउट हुए हैं उन्होंने सेमीफाइनल में 70 रनों की नाबाद पारी खेली थी, लेकिन आज उनका बल्ला नहीं चला। तो केएल रियाज के आउट होने के बाद अब आबिद नबी आए हैं मैदान के अंदर, यानी कि दो भाई अब मैदान के अंदर होंगे। जोड़ी तालमेल बहुत बढ़िया होगा, इसी में वो एक अच्छा क्रिकेट खेलने का यहाँ निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, अब दो भाई क्रीज पे आ चुके हैं और रनिंग बिटवीन का जो तालमेल है वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जो ब्रदर्स रहते हैं उनकी जो सोच है वो एकता रहती है। फिलहाल 6 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, एक धचका लगता हुआ यहाँ पर सिटी जिम खाना को, और हर एक का टीम चाहती है कि हम शुरुआती में विकेट ना गंवाएं, क्योंकि जब आप नई गेंद से विकेट गंवाते हो तो निश्चित रूप से आप फिर काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे चले जाते हैं, और उसका कारण यह रहता है कि आप फिर उतना लक्ष्य नहीं दे सकते हैं विपक्षी टीम को। अब्दुल रकीब हमारे टेक्निकल मास्टर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, लिख रहे कि आप स्क्रीन को जूम करें थोड़ा सा, और हम अपने ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि व्यूवर्स जिस तरह से खुश रहेंगे हम उसी प्रकार की यहां पर कोशिश करेंगे। फिलहाल 6 रन बोर्ड पे लग चुका है, एक विकेट गवा दिया है सिटी जिम खाना ने। और उमर लोन को जिसके लिए जाने जाते हैं उन्होंने एक बार फिर वही दर्शाया यहाँ। उमर लोन अब आबिद नबी के लिए और दो विकेट आ रहे हैं कमेंट्री छोड़ने से। इस बार बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर झूमती हुई गेंद, वहां उन्होंने गेंद को गाइड करना चाह रहे थे थर्ड मैन की ओर, गली क्षेत्र के अंदर जोर जुलम मौजूद है, उन्होंने गेंद को सरलता के साथ उठाया, रन बनाने का संभावना नहीं। इशनाक जो वादिया कश्मीर के एक बहुत बड़ा नाम है शॉर्ट कवर के अंदर, वो इस समय तैनात है, और के बिल्कुल भाई की ओर जहांगीर लोन वादिया कश्मीर की शान मौजूद है। लवली आपको क्या लग रहा है, क्या आज एक ऐतिहासिक मैच रहेगा सभी व्यूअर्स के लिए? एक बार फिर से बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आई अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। एक बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा था उमर लोन की ओर से, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर, और ये बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया था उमर लोन ने। आकिब नबी जो एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, अगर उसको चलता किया गया था यहाँ पे तो निश्चित रूप से फिर बहुत बड़ी मछली रह सकती थी। आज एक बड़े नाम है इस मैच में, इश्तियाक नाग, जैकलून, जहांगीर लोन, आबिद नबी, बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी है जितने भी कश्मीर वैली के हैं वो इस मैच का हिस्सा है। और जुबैर डार जो उनके कप्तान है, अमूमन वो हालिया दिनों में विकेट कीपरिंग की भूमिका नहीं निभाते थे, लेकिन आज वो खुद पैड करके आए हैं, विकेट कीपर की भूमिका वो निभाएंगे, ये कप्तान हैं उस टीम के। और दूसरे छोर से जहांगीर लोन को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे। इस समय वो अपने खिलाड़ी से हाथ को थोड़ा सा हिला रहे हैं, अपने बाजुओं को खोल रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जहांगीर लोन तो एक दिग्गज ऑलराउंडर माना जाता है, अगर आप फील्डिंग की बात करें स्लिप क्वार्टर में कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है, थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है, और फाइनल लेग का खिलाड़ी ये भी 30 गज दायरे के बाहर है। कुल मिला के दो खिलाड़ी उन्होंने कैचिंग पोजीशन पे रखे गए हैं, थर्ड मैन के बाहर बुरान नबी को रखा गया है, और यह है फील्डिंग की सजावट। जहांगीर लोन और द विकेट आ रहे हैं कॉलेज एंड से, वो इस समय गेंदबाजी करेंगे, और आतिफ नबी इस समय उनके सामने होंगे। आतिफ नबी और आबिद नबी ये दो भाई भाई हैं, ऐसे में जैसा हम बातचीत कर रहे हैं कि तालमेल बढ़िया हो रहा है उनके बीच, जहांगीर लोन का सामना करेंगे आतिफ नबी। सेमीफाइनल में उन्होंने एक लाजवाब पारी खेली थी महनवाज, लेकिन क्रिकेट में हर एक दिन नया नया होता है, आपको शून्य से स्टार्ट करना पड़ता है। अगली बार फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर, और वहां आवाज तो जरूर आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं, जुबैर डार और जहांगीर लोन बहुत अच्छी अपील कर रहे थे, अंपायर के सामने प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन अंपायर ने पूरी तरह से नकारा इस अपील को, शायद थाई से गेंद जाके टकराई थी। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी गेंद थी और पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, और उसका कारण यह रहा कि गेंद शरीर पे लगने के बाद आ गई है कीपर के दस्तानों में। हालांकि थोड़ी सी अपील जरूर की थी वहां पर गेंदबाज और कीपर ने, कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। जहांगीर लोन एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए आए हैं, हालांकि बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहां पर गेंदबाजी से कुछ योगदान देना चाह रहे हैं अपनी टीम को। जुबैर झार जिनके कैप्टन है वो कीपिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। जहांगीर लोन चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, एक बार फिर से पड़ने के बाद और थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, और अंपायर का इशारा वाइड गेंद, लगातार जो गेंद है वो अंदर की तरफ ला रहे हैं जहांगीर लोन,
लेकिन अगर आप आउटसाइड ऑफ स्टंप यही गेंद रखेंगे तो फिर आप फंसा सकते हैं किसी भी बल्लेबाज को। और बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने महनवाज, क्योंकि अगर आप यही गेंद ऑफ स्टंप पे रखते हैं तो फिर ये अंदर की ओर आएगी, ऐसे में उतना आसान नहीं होगा खेलने का। फिलहाल आतिफ नबी इस समय स्ट्राइक पे है, 9 सेकंड एंड पे मौजूद है आबिद नबी, वादिया कश्मीर की शान, और क्या लाजवाब खिलाड़ी रहे हैं ये, और उम्मीद करते हैं आज उनका बल्ला निश्चित तौर पे चले। इस बार ओवर पिच गेंद, कलाई के उपयोग से गेंद को निकाला, डीप स्केर लेग की ओर से अमरलन गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, तब जाकर दोनों खिलाड़ी ने दो रन आसानी से पूरे किए हैं। ये जो लाइव प्रसारण है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक, उसके साथ साथ खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से वो सबसे ऊपरी क्रम पे है। और खास तौर से मेहनवाज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी अब किस का ब्रांड का उपयोग करते हैं, तो कुल मिला के ये एक बढ़िया उपलब्धि है उनके लिए। जी बिल्कुल, किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स आज पूरे विश्व में छाए हुए, और हमने यहाँ पर 1K भी क्रॉस किया है। क्या लवली, हमारे लिए आज एक ऐतिहासिक दिन रहेगा क्योंकि एक बड़ा मैच है, 30-30 ओवरों का खेल रहेगा, लेकिन रोमांच बहुत ज्यादा इस मैच में। बढ़िया गेंद, एक बार फिर से थोड़ी सी अंदर की ऑन ड्राइव शॉट खेलना चाह रहे थे वहां पर बल्लेबाज आतिफ नबी, लेकिन चूक गए पूरी तरह से, और गेंद थाई पे लगने के बाद गई है शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और जहां इस बार वो उतने नियंत्रण में नहीं थे बल्लेबाज जिस तरह से अब तक उन्होंने खेला है, हालांकि गेंद पड़ने के बाद अतरी कुछल अंदर की ओर आई थी, सम्मान दिया था वहां, लेकिन रन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने व्यूवर्स का दिल की उम्मीद गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं जिस तरह से वो हमें सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमें उम्मीद है कि वो शेयर करते रहेंगे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक बॉलर के सर के ऊपर से, पहला खूबसूरत स्ट्रोक, दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा शॉट, हालांकि ऊपर की गेंद थी, एक ऑन ड्राइव शॉट खेल दिया, जानते थे कि उमर लोन मैदान का खिलाड़ी 30 गज दायरे से अंदर है, और जानबूझकर खेला गया शॉट, और 4 रन अर्जिता किया यहाँ पर आतिफ नबी ने। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे अभी तक, लेकिन इस चौके के साथ जो थोड़ा सा आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा इस बल्लेबाज को। स्कोर जो है 13 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, पारी का ये दूसरा ओवर इसमें प्रगति पे। एक बार फिर से बड़ा शॉट और एक पिकअप शॉट, वन बाउंस इनटू द फैंस, चौका। और अगर पिछला शॉट बेहतर था ना तो ये बेहतरीन शॉट है। इस बार कलाई के उपयोग से जो ही ये बल्ले पे लगा था तो उसको 4 रनों की छाप निश्चित तौर पे लगी थी, और दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक था, और जानबूझ के, सबसे बढ़िया बात के पूरे मन से खेला गया स्ट्रोक था ये पहला। दूसरा ओवर इस समय चल रहा है, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे जहांगीर लोन का ये महंगा ओवर साबित होता हुआ। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी, और कितनी लाजवाब फील्डिंग, गली क्षेत्र के अंदर जोहर जोलम मौजूद था, उन्होंने अपने भाई की ओर छलांग लगाकर इस गेंद को रोका, रन बनाने का संभावना नहीं। दो ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग गली क्षेत्र में जोहरा जोलो के, और इसी प्रकार की क्षेत्र रक्षण की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब आप इस बड़े मैच पे खेलते हैं तो निश्चित रूप से आपको गलतियां करना मना रहेगा। तो अच्छी फील्डिंग, 4 रन बचाए अपने टीम के लिए। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जो करंट रन रेट है वो 8.50 की इस समय चल रही है। तो यहाँ पर एक साझेदारी की जरूरत है सिटी जिमखाना को, जो कि अब धीरे धीरे आती नजर आ रही है। आतिफ नबी और आबिद नबी दो भाई इस समय खेल रहे हैं। हम अपने व्यूवर से कहना चाहते हैं कि आप इस लाइव कवरेज को लगातार शेयर करते रहें, अगर आप हमें सम्मान करते हैं तो शेयर करके आप वो चीज जरूर करें, ताकि जो अन्यथा लोग भी हैं वो हमारे साथ जुड़ पाएंगे और इस मैच का वो आनंद लेंगे। अगली बार उमर लोन फिर से कमेंट्री छोड़े से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद अंदर की ओर आई थी, गेंद को धकेला था ऑनसाइड की ओर, जहांगीर बख्शी वहां शॉट विकेट में मौजूद थे, उन्होंने गेंद को जरूर रोका था, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हुआ था वहां आतिफ नबी का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं महनवाज। और क्रिकेट में अगर मगर की कहानियां बिल्कुल भी नहीं चलती है, और तभी तो इस खेल को इतना लोकप्रिय खेल माना जाता है। इश्तियाक नाग इस समय शॉट कवर पे खुद तैनात है, चीते की तरह वो इस समय ढूंढ रहे हैं मैदान के अंदर। जी बिल्कुल लवली, आज इश्तियाक नाग पर काफी सारी निगाहें रहेगी कि वो किस प्रकार का रूप धारण करेंगे आज इस मैदान में। उमर लोन चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद,
लेग स्टंप पर थी, थोड़ी सी अपील थी, लेकिन गेंद जो है वो लेग स्टंप को मिस कर रही थी और गेंद चलेगी डीप फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक का गेंद को फील्ड किया जाए तब तक का बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया। सिकोरिस एक रन के साथ 19 रन बोर्ड पर लग चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। हालांकि एक मौका बन सकता था रनआउट के रूप में, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित रूप से काम तमाम हो सकता था आते पर नबी का। और उमर लोन के सामने अब तक खुल के नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये गेंद को अच्छी तरह से हिला रहे हैं। ऐसे में किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किलें हमेशा ये खड़े करते हैं। अगली बार फिर से बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, उमर लोन ने जाकर गेंद को फील्ड किया, जुबेदार ने वहां गेंद को रोका। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बढ़िया जोड़ी अगर आप सिटी हंक्स कश्मीर की बात करें ना मेहनत, ये जोड़ी जो है सबसे महान खिलाड़ी उनकी टीम के इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। ऐसे में वो प्रयास ही करेंगे कि एक साझेदारी बनाने का, क्योंकि ये खेल ही साझेदारियों का खेल है। और ऐसे में उनके ऊपर भी बड़ी निगाहें रहेगी। उमर लोन अगली बार कमेंट्री छोड़ एंड से फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, कांटा बदला था पड़ने के बाद, इस बार बाहर की ओर कोण बनाते हुए खिलाड़ी ने वहां इस बार सरलता के साथ गेंद को खेला। हालांकि रन बनाने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है, लेकिन स्ट्रोक तो अच्छा खासा था ये। जी बिल्कुल, उमर लोन के पास उस प्रकार का जादू है, ये लगातार गेंद को जो है दोनों ओर से स्विंग करा रहे हैं। अब के बार लगातार अंदर की तरफ गेंद ला रहे थे आबिद नबी के लिए, लेकिन अब के बार कोण के सहारे गेंद ने एक एंगल प्राप्त किया और बाहर की तरफ निकली, सम्मान के साथ खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने और रन बनाने का कोई संभावना। और इस समय दो स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं उमर लोन। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इसमें थोड़ी सी शॉट, अपने रन आउट होने का चांस, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी, एक बार फिर से विकेट जा सकता था, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई वहां पर उमर लोन ने और लगातार जो है तालमेल में थोड़ा सा गड़बड़ देखने को मिल रहा है इन दो भाइयों के बीच। और जैसा हम मेरा सहयोगी कमेंटेटर और मेरी भी बात उनसे चल रही थी कि ये जो भाई इस समय मैदान के अंदर मौजूद है, ऐसे में तालमेल उनका बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन इस बार हाना, लेकिन अंत में वो बचते नजर आ रहे हैं। नासिर बैली सेमीफाइनल के हीरो, मैन ऑफ द मैच उस दिन रहे, वो इस समय मिड ऑफ के अंदर इस समय तैनात है। उमर लोन फिर से और दो विकेट आ रहे हैं, इस बार बढ़िया गेंद, ज्यादा मालूम नहीं था, ठीक विकेटों के ठीक ऊपर से गेंद गिरी थी और उमर लोन देखिए नीचे इस समय वो लगा रहे हैं, इस समय वो पछता रहे हैं कि ये किस तरह से बचता नजर आ रहा है। उसी बीच लोन माही हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, वादिया कश्मीर के एक बढ़िया पर्सनैलिटी अगर आप फोटोग्राफर की बात करें, लेकिन जैसा आप अपनी स्क्रीन के दाई की ओर देख रहे हैं इस मैच में बिलाल सुल्तान आज कवर कर रहे हैं। हालांकि वादिया कश्मीर के दो बड़े चेहरे हैं, पहला तो लोन माही है और दूसरा तो बिलाल सुल्तान है, जो आप स्क्रीन के सामने बिल्कुल नजर आ रहे हैं, जो दूसरे छोर से इस समय खिलाड़ियों को वहां अपना कार्य जरूर दे रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, तीन ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 19 रन एक विकेट के नुकसान। सिटी जिमखाना एक अच्छी स्थिति में है इस समय, लेकिन विकेट्स नहीं गंवाने होंगे, क्योंकि जब आप विकेट गंवाते हैं शुरुआती में तो आप काफी ज्यादा बैकफुट पे चले जाते हैं और इस साझेदारी पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा, क्योंकि आबिद नबी वादी का दिग्गज जब बल्लेबाज है, उन्होंने 7 गेंदों का अभी तक सामना किया और केवल एक रन अब बनाया अभी तक, और आप इससे प्रतीत कर सकते कितना प्रभाव है आबिद नबी के ऊपर। और मेरे विचार में ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेट 30 ओवर का है, ऐसे में आप अपना समय निश्चित तौर पे बिता सकते हैं। थोड़ी सी दुविधा साइड स्क्रीन के सामने आबिद नबी को वहां आ रही थी, वहां कुछ दर्शक बैठे थे, वो अब उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि ये हमेशा दिक्कतें नजर आती हैं बल्लेबाजी के सामने। और अब आतिफ नबी अब स्ट्राइक पे हैं, जहांगीर लोन का सामना करेंगे। इस बार शॉर्ट गेंद और गेंद कुछ देर तक हवा में जरूर थी, गली क्षेत्र के अंदर जोर जोल मौजूद था, दौड़ कर आ रहे थे, लेकिन ठीक गेंद उनके सामने गिरी थी। हालांकि वहां रन बनाने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है, लगातार आसमान के ऊपर जिस तरह से बादल नजर आ रहे हैं ये क्रिकेट के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मैदान के चारों ओर दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, आखिर क्यों ना, वो जानते हैं इस खेल की अहमियत, इस मैच की अहमियत वो निश्चित तौर पे जानते हैं। जहांगीर लोन एक बार फिर, इस बार शॉर्ट गेंद, काफी ऊपरी भाग पे गेंद लगी थी, जुबेदार वहां मौजूद थे, उन्होंने गेंद को उठाया, तब तक आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ 20 रन, ये पारी का चौथा ओवर, जहांगीर लोन अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय कर रहे हैं। अब तक केवल एक विकेट का पतन हुआ है और उमर लोन ने उस विकेट को आउट किया है क्लीन बाउंड करके। KL रियाज जरूर सेमीफाइनल में 70 रनों की
पारी खेली थी। जहांगीर लोन कॉलेज एंड से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अब आबिद नबी अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। आबिद नबी अब स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं और उन्होंने 7 गेंदों में केवल 1 रन अभी तक बनाया और गेंदबाजी जो है वो जहांगीर लोन के हाथों में है। चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से बढ़िया गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया आबिद नबी ने। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, फील्डिंग की जमावट अभी भी ऑफ साइड पर है। गली बैकवर्ड पॉइंट शॉट कवर मिड ऑफ मिड ऑन शॉट मिड विकेट और फाइन लेग और डीप मिड विकेट और थर्ड मैन को 30 गज दायरे से बाहर रखा। और अगर हम मौसम विभाग की बात करेंगे तो लगातार आकाश में काले बादल मंडला रहे तो उत्तर भारत में अगले 24 घंटों में हल्की सी वर्षा होने की संभावना है, उसमें ज्यादातर गुलमर्ग प्रभावित रहता है। एक बार फिर से बढ़िया ड्राइव किया था लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी की ओर से, निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के और पूरी तरह से जान फोंकते हैं गेंद के ऊपर ये खिलाड़ी। और इस बार जहांगीर बख्शी जिसको वॉल ऑफ बारामूला कहा जाता है वो शॉर्ट कवर पे मौजूद है और उन्होंने बढ़िया तरीके से वहां गेंद को उठाया। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं था। जहांगीर लोन अब विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा कुछ करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार शॉर्ट गेंद थी आबिद नबी के सामने। आबिद नबी ने गेंद को तिरछे बल्ले से घाइड करना चाह रहे थे लेकिन उतनी बढ़िया तरीके से गेंद आई नहीं। सुभान स्टेडियम सोपोर से इस समय हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। ये एक बड़ा फाइनल होने जा रहा है सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से। ये एक बहुत बढ़िया पहल थी, 30-30 ओवर फॉर्मेट का वो इस समय खिला रहे थे और पूरे वाद्य कश्मीर से जितने भी एक्स राज्य खिलाड़ी हैं काफी सराहना की गई। हालांकि मैच क्रिकेट यहां निश्चित तौर पे अभी भी है और इस बार बढ़िया स्ट्रोक बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी गेंद, हालांकि अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे जहांगीर लोन लेकिन अंत में गेंद जो है वो काफी आगे रखी और तैयार थे पहले से ही आबिद नबी, क्योंकि आबिद नबी काफी समय से स्ट्रगल कर रहे थे और अब बड़ा शॉट तो आना ही था। सिकोरिन 4 रन के साथ जो है बढ़ चुका 24 रन एक विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद और 6 के औसत से इस समय करंट रन रेट चल रही है। अगर हम सिटी जिम खाना की बात करेंगे तो इस समय एक अच्छी स्थिति में है लेकिन विकेट्स नहीं गंवाने, क्योंकि जब आप पावर प्ले में खेलते हैं तो अब शुरुआती में आपका पैर उस प्रकार से नहीं चलता है और धीरे धीरे जो है एक जब आप सेट होते हैं क्रीज के ऊपर फिर आप बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। हम अपने सभी व्यूवर्स से कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ हमारे सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया करके इस लाइव कवरेज को लगातार शेयर करते रहें ताकि जो अन्यथा लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं खास तौर से वादिया कश्मीर में उन तक ये लाइव कवरेज पहुंचे, क्योंकि ये एक बढ़िया मैदान है और सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन ने एक कमाल का काम किया है और हम चाहते हैं कि ये मैच हर एक तक जरूर पहुंच जाए। उमर लोन पारी का 5वां ओवर और 2 विकेट लेकर आ रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद को इस बार खेलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया था, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। वहां जुबेडार इस समय मौजूद है जो उनके कप्तान है। तो अब स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जहांगीर लोन स्लिप कॉर्नर में है। गली पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट शॉर्ट कवर मिड ऑफ ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है। ऑन साइड की फील्डिंग की अगर आप बात करें शॉर्ट स्क्वायर लेग शॉर्ट मिड विकेट ये पोजीशन रखी है फील्डर्स की। अगर आप बात करें तो 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, थर्ड मैन और फाइन लेग का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। साइड स्क्रीन में थोड़ी हलचल नजर आ रही है क्योंकि दर्शक लगातार आते रहे हैं, ऐसे में थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही है वहां बल्लेबाज को। जी बिल्कुल, थोड़ी सी दिक्कत थोड़ी सी दुविधा नजर आ रही है बल्लेबाजों को। फिलहाल उमर लोन के हाथों में गेंद है, उमर लोन अपने कोटे का 3रा ओवर इसमें डाल रहे हैं। एक बार फिर से बढ़िया शॉट खेल दिया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, हालांकि अच्छी फील्डिंग की थी लेकिन गेंद थोड़ी सी हाथ से फंबल होती हुई तब तक बल्लेबाज ने अपना छोर बदल दिया और सिकोरी से 1 रन के साथ 25 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है और उमर लोन जो है वो अपने कोटे का 3रा ओवर डाल रहे। तो इस समय आप ये प्रतिक्रिया लगा सकते हैं कि ये शुरुआती में कितना सक्षम रहते हैं ये गेंदबाज और कितना सफल होते हैं। ये पारी का 5वां ओवर
25 रन एक विकेट के नुकसान पे सिटी हंकर्स जिम खाना अमरलोन कमेंट्री छोड़ एंड से इस बार फुल टॉस गेंद गेंद को धकेलाया शॉर्ट कवर की ओर से इश्नाक गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। ये वहां अच्छी फील्डिंग जरूर की थी लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग नहीं की इस चार रन को बचा पाए। गेंद बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। इस बार टाइमिंग से खेला गया स्ट्रोक था, हालांकि जोर से मारने की बिल्कुल भी नहीं कोशिश की, गैप में धकेला और रन पूरे मिलते हुए उनके ही शॉट पे ऊपर। जी बिल्कुल, आबिद नबी तो इसी के लिए जाने जाते हैं, इसके पास इंटरनेशनल जिसको हम कहते हैं क्रिकेटिंग शॉट्स है इसके पास है। और आबिद नबी ने इस समय ड्राइव कर दिया है पॉइंट और कवर के बीच में खेलते हैं इस गेंद को चार रन के लिए। हालांकि बड़ी चेज थी फील्डर के लिए लेकिन रोकने में असफल रहे और गेंद बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। सिकोरा जो है इन चार रन के साथ 29 रन बोर्ड पे लग चुका और एक विकेट के नुकसान पर अभी भी दो खिलाड़ी स्लिप कॉर्नर पर तैनात। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज आबिद नबी को और आपकी बार गेंद जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ रही, उतना उछाल नहीं मिला इस गेंद पर और वहां से वो इशारा भी कर रहे हैं आबिद नबी जो कि गेंद है वो काफी नीचे रहती हुई। कभी कभार इस तरह की दिक्कतें नजर आती है मैट के ऊपर, जब गेंद थोड़ा नीचे रहती है तो बल्लेबाजी के लिए उतना आसान नहीं रहता है खेलने का। वही आबिद नबी इशारा कर रहे थे अपने जो सहयोगी इस समय उनके साथ खेल रहे हैं उनके भाई, अगली बार अमरलोन फिर से आ रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे जाकर गेंद को सम्मान के साथ बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अमरलोन के सामने वो थोड़े से ढीले नजर आ रहे हैं, अब तक उनकी गेंदबाजी के सामने वो उस तरह के खुल के स्ट्रोक खेल नहीं रहे हैं क्योंकि वो शायद उनको ये प्रतीत हुआ है कि अमरलोन की गेंद जो है वो थोड़ा हिलती नजर आती है, ऐसे में उनको खेलना उतना आसान नहीं रहता है। इस बार फिर से लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद थी, खेलना जरूर चाह रहे थे लेकिन गेंद गई जहांगीर बख्शी के पास जो शॉर्ट मिड विकेट पे मौजूद है, रन बनाने का बिल्कुल भी संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन एक विकेट के नुकसान पे आबिद नबी ने अब तक 15 गेंदों का सामना किया, 9 रन बना के नाबाद हैं जिसमें दो चौके मौजूद हैं। आतिफ नबी ने 12 गेंदों में 12 रन बनाए हैं जिसमें दो चौके मौजूद हैं। तो अब तक एक प्रयास किया जा रहा है, साझेदारी का प्रयास किया जा रहा है, वो जानते हैं कि आज शुरुआत में ही एक विकेट उनको आउट हुई है, ऐसे में वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि साझेदारी बनाने का। जी बिल्कुल लावले, एक साझेदारी की दरकार और वो इस समय जो है आ रही है इन दो बल्लेबाजों के बीच में। 26 गेंदों पे 23 रन की एक अच्छी साझेदारी आती हुई इन दो बल्लेबाजों के बीच में और आपस में ये भाई है आबिद नबी और आतिफ नबी इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 29 रन एक विकेट के नुकसान पर और इश्तियाक नाग के हाथ में अब गेंद थमा दी गई है और एक विचलित फैसला यहां पर लिया है जुबैर झार ने। और इश्तियाक नाग अगर यहां से विकेट चटका के देंगे अपनी टीम के लिए तो आज के हीरो रहेंगे क्योंकि जितना जल्दी हो सके इसे साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा क्योंकि अगर ये साझेदारी वहां पर जटी रही तो फिर ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। बढ़िया गेंद और पुल कर दिया इस गेंद को आतिफ नबी के बल्ले से, एक अच्छा शॉट था लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्टेस्ट गैर लेग पर, निश्चित रूप से 3 रन बचे अपनी टीम के लिए और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा वहां पर आतिफ नबी को। शॉर्ट स्केयर लेग पे बुरान नबी जो एक युवा खिलाड़ी है, अगर आप बीसीसी बारामूला की बात करें सबसे युवा वर्षीय खिलाड़ी है बुरान नबी जो इस समय शॉर्ट स्केयर लेग पे तैनात है। इश्नाक को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। अमूमन हम देखते हैं इश्नाक पारी की शुरुआत करते हैं गेंदबाजी से लेकिन आज थोड़ा सा धीरे देरी से उनको लगाया गया है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पे आपको हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है प्रदर्शन के लिए। इस बार लेग स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद थी, जुबैर डार ने गेंद को बढ़िया तरीके से अपने दस्तानों में लिया था, हालांकि एक रन से वहाँ अतिरिक्त रन के तौर पर उनकी टीम के साथ जरूर जोड़ दिया जाएगा। अब तो पूरी तरह से आंखें जो हैं वो मैदान के अंदर उनको जमाई हैं इन दो खिलाड़ियों ने, तो कोशिश कर रहे हैं कि एक साझेदारी बनाने की। इश्तियाक नाग फिर से आ रहे हैं, इस बार ब्लैक स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद थी, गेंद को धकेला था ऑन साइड की ओर, डीप स्केयर लेग पे वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, दोनों ने जाकर गेंद को तब तक फील्ड किया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन, ये पारी का छठवां ओवर इस समय इश्नाग कर रहे हैं जो कॉलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्ड में भी लगातार परिवर्तन किया जा रहा है, 30 गज दायरे के अंदर इस समय ऑफ साइड में एक दायरा
उन्होंने बनाए हैं, यानी कि सिंगल वो नहीं देना चाह रहे हैं। और जब आप सिंगल नहीं देते हैं तो खिलाड़ी मजबूर होते हैं बड़ा स्ट्रोक खेलने में, ऐसे में कभी कभार गेंद हवा में भी होती है तो फिर विकेट लेने के भी चांसेस भी और ज्यादा रहते हैं। जी बिल्कुल, जब आप बड़े शॉट के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से उस समय एक मौका बन सकता है विपक्षी टीम के लिए कि आप विकेट प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल जो स्कोर है 32 रन 5.2 ओवरों की समाप्ति के बाद, और श्याक नाग इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और द विकेट आतिफ नबी के लिए। शॉर्ट पिच गेंद पुल करते हैं इस गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात है। एक अच्छा शॉट खेलने का प्रयोग जरूर किया था वहां पर आतिफ नबी ने, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर इस एक रन के साथ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद पावर प्ले के 2 ओवर्स बचते हैं तो 8 ओवरों का पावर प्ले रहता है इस मैच में। 30-30 ओवरों का खेल यहां पे चल रहा है और आज जो फाइनल खेला जा रहा है इस सोपोर कप का, सुभान सिटी स्टेडियम में हम इस समय उपस्थित है और आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से। स्टार्क नाग चले एक बार फिर से लेग से काफी उंधी और लगातार दिशा से भटकते नजर आ रहे हैं स्टार्क नाग, और अपने ओर से प्रयास कर रहे कि हम पैरों पे गेंद रखे, क्योंकि उसी प्रकार से फील्डिंग की सजावट रखी है स्टार्क नाग ने। डीप सुगैर लेग पर एक खिलाड़ी को तैनात किया है कैचिंग के लिए, और अब तक इश्तियाक नाग अपने रंग में नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि लेग स्टंप से काफी बाहर ही गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। कहना यही पड़ेगा कि उतनी अनुशासन गेंदबाजी अब तक इश्नाग से देखने को नहीं मिली है। जुबेडार थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी पड़ने के बाद बाहर की ओर गेंद लहरा रही थी, छेड़छाड़ करने का वहां प्रयास जरूर किया था, लेकिन इस बार खेलने का कोई वहां उन्होंने प्रयास नहीं किया था। गेंद जाकर सीधे जुबेडार के हाथों में, रन बनाने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि स्ट्रोक्स खेलने का, लेकिन अब तक अगर आप देखें उतनी बढ़िया तरीके से बल्ले पे उनकी गेंद नहीं आई है। और इस बार अच्छी गेंद थी ये, बिल्कुल जड़ में, और गेंद को ऑनसाइड की ओर धकेलना चाह रहे थे, तब तक आसानी के साथ एक कोई रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं था। अगली बार फिर से सामना कर रहे हैं जो ओदो विकेट गेंदबाजी करेंगे इश्तियाक नाग। इस बार बढ़िया गेंद थी, लेग स्टंप के आसपास गेंद को धकेला था शॉर्ट फाइन लेग की ओर, वहां मुंतजिर बशीर मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को उठाया, रन बनाने का वहां कोई भी संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब धीरे धीरे एक अच्छी साझेदारी पनपती नजर आ रही है आतिफ नबी और आबिद नबी के, और सोर इसी की दरकार है। अगर सिटी जिम खानों को एक अच्छा लक्ष्य देना होगा बीसीसी बारामूला के विरुद्ध तो फिर अच्छी साझेदारी की दरकार, और उसके पास उच्ची कोटि के बल्लेबाज है जहांगीर लोन, इश्तियाक नाग, जुबैर डार, जहूर जोलू जैसे दिग्गज खिलाड़ी उपस्थित है बीसीसी बारामूला के पास, और फिर उनके विरुद्ध एक अच्छा लक्ष्य देना जरूरी है। और मैदान में लगातार जो है दर्शकों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, और अब दूसरे छोर से भी अब परिवर्तन देखने को मिलता हुआ, और जहांगीर लोन जो वादिया कश्मीर की शान है वो इस समय जहूर जोलू से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन अब देखने को मिला है। जहूर जोलू ठीक कश्मीर सपोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोड़ एंड से अब वो गेंदबाजी करेंगे। थोड़ी सी इस समय वार्तालाप हो रही है जहूर जोलू के साथ। जहांगीर लोन इस समय मिड ऑफ के ऊपर इस समय फील्ड कर रहे हैं, और अपने 2 ओवर्स अब तक उन्होंने किए हैं। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि विकेट उनके हाथ नहीं लगी है, लेकिन अनुशासन गेंदबाजी जरूर रही है जहांगीर लोन की ओर से। तो देखना पड़ेगा कि जहूर जोलू अब किस तरह की गेंदबाजी करेंगे आबिद नबी के सामने। और द विकेट आ रहे हैं, इस बार अच्छी गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पे टकराने के बाद बाहर की ओर गई थी, सरलता के साथ गेंद को निकाला ऑन साइड की ओर, जोर जोलू ने जाकर गेंद को फील्ड किया। तब तक वहां मौका था 1 रन बनाने का। इस 1 रन के साथ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पे आतिफ नबी 14 रन बना के नाबाद हैं। 2 चौके अब तक उन्होंने अपनी पारी में लगाए हैं, और आबिद नबी ने 20 गेंदों में 12 रन बनाए हैं। 60 के स्ट्राइक रेट से वो इस समय रन गति बना रहे हैं अपने लिए।
और यहाँ पर ये महत्व नहीं रखता कि आप कितने गेंदे खेलेंगे, लेकिन आप किस प्रकार से खेलेंगे ये काफी ज्यादा महत्व रखता है। एक बड़ा मैच है सभी खिलाड़ियों के लिए, और जो आउट होने वाले बल्लेबाज है केएल रियाज, वो शून्य पे आउट हो चुके, तीन गेंदों का सामना किया उसने, आज निराशा किया अपने टीम को, और आप खुद भी काफी ज्यादा निराश होते हैं, क्योंकि जब एक बड़े मैच पर आप अपने टीम के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप काफी फिर नाराज होते हैं। और शुपियन नजार इजाज शुपियन से हमारे साथ इस समय, इसमें लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, खराब गेंदबाजी, और अगर आप इसी तरह से गेंदबाजी करेंगे जो बल्लेबाज के ऊपर दबाव होता है वो फिर अमूमन निकल जाता है, उसके बाद वो पारंपरिक तौर पे अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं, क्योंकि तभी तो हम कहते हैं ना कि ये खेल अनिश्चितताओं का खेल है। भले ही आप कुछ चरणों में दबाव में होते हैं, लेकिन जब आप अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं ना तो फिर आप उस दबाव से बाहर आते हैं, तो फिर आप अपने स्ट्रोक्स खुल के खेल सकते हैं। जुहर जोलू, पिछली गेंद बहुत खराब गेंद थी, लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, व्हाइट का भी इशारा, भाई के भी रूप में वहां एक रन अर्जित किया गया था। जुहर जोलू फिर से ओवर द विकेट आ रहे हैं, इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, आबिद नबी ने गेंद को धकेला था डीप स्क्वायर लेग की ओर से, वहां जहांगीर बख्शी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को उठाया, तब तक आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया है। लगातार व्यूवर्स हमारे साथ इस समय जुड़ते नजर आ रहे हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं, दिल की उम्मीद गहराई से हम उनका धन्यवाद करते हैं जिस तरह से वो हमें समर्थन करते हैं बार बार। बिल्कुल, व्यूवर्स तो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्व रखते हैं, और हम ये सब जो लाइव है ये व्यूवर्स के लिए करते हैं। फिलहाल जोर जोर चले, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, आपकी भारत चकमा दिया बल्लेबाज आतिफ नबी को, लहराती हुई गेंद और लगातार स्विंग देखने को मिली आज इस पिच से, क्योंकि नया मैट डाला गया है और एक तो अतिरिक्त उछाल मिल रहा है गेंदबाजों को, और ऊपर से जो मूवमेंट है वो देखने को मिल रही है। अब की बार पड्डे के बाद बाहर की तरफ निकली और चले गई कीपर के दस्तानों में, क्या यहाँ पर एक स्लिप लगा सकते हैं गेंदबाज और जहूर जोलू, ये देखने वाली बात होगी। सिकोर जो है वो अभी भी 39 रन एक विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर की समाप्ति के बाद। जहूर जोलू चले, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा लगा, आपकी बार जानबूझकर खेला गया शॉट आतिफ नबी के बल्ले से, एक थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी तैनात था, एक रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को, और लगातार जहांगीर लोन संदेश देते हुए अपने गेंदबाज, क्योंकि आप किस प्रकार की गेंदबाजी करें, क्योंकि जहांगीर लोन के पास उस प्रकार का अनुभव है, ये अपना 300वां मैच इस समय खेल रहे हैं जहांगीर लोन। आज टॉस जीता बीसीसीआई बारामूला ने, और उन्होंने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, एक विचलित फैसला जरूर है, लेकिन कैप्टन हमारे से ज्यादा जानते होंगे। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, पुल कर दिया इस गेंद को आबिद नबी के बल्ले से, ये निकलता हुआ, हालांकि रन आउट का होने का चांस था, लेकिन अच्छी चीते की दौड़ लगाई वहां पर आबिद नबी ने, जानते हैं कि कितना महत्व रखते हैं इस टीम में। सिकोर 41 रन एक विकेट के नुकसान पर। और सभी तो कहते हैं ना कि अगर आपको मैच जीतना है तो फील्डरों को योगदान देना बहुत जरूरी, वही इस समय कर रहे हैं बीसीसीआई बारामूला की टीम, और इतनी बड़ी टीम को अगर आपको हराना है सिटी जिमखाना श्रीनगर को, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फिर देना होगा। जुहर जोलू फिर से ओवर द विकेट आ रहे हैं, इस बार बढ़िया स्ट्रोक कट खेला, वहां खिलाड़ी मौजूद नहीं, गैप में धकेला, गेंद बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए, काफी समय के बाद ये चौका निकलता हुआ, और इस बार जो सबसे बढ़िया बात थी गैप में धकेला गया स्ट्रोक, स्ट्रोक चाहे कितना भी बढ़िया मेहनवाज की उन्होंने, अगर आप प्लेसमेंट दौड़ने में असफल रहते हैं फिर उस शॉट की अहमियत उतनी ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन इस बार बढ़िया स्ट्रोक आबिद नबी के बल्ले से। जी बिल्कुल, आतिफ नबी के बल्ले से ये चौका आता हुआ, और सिकोर जो है 45 रन बोर्ड पे लग चुका, और एक विकेट के नुकसान पर। लवली ऐसा लग नहीं रहा था, जब शुरुआत में पहले ओवर में विकेट गंवा दिया था सिटी जिम खाना ने, और अब धीरे धीरे जो है इन बल्लेबाज ने अपनी पारी को संभाला है, और अब रन बिल्कुल आ रहे हैं सिटी जिम खाना के लिए। 38 गेंदों पर 39 रनों की एक अच्छी साझेदारी आती हुई आबिद नबी और आतिफ नबी के बीच में, सिटी जिमखाना का सिकोर 45 रन एक विकेट के नुकसान पर। और भी पावर प्ले का एक ओवर बचता है, और हर एक टीम चाहती है कि हम पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाए, और अभी तक सिटी जिमखाना के पाले में पावर प्ले गया है, अगर यहां से एक विकेट चटकाती है तो फिर बराबरी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है सिटी जिमखाना को पलड़ा भारी है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि शुरुआत में एक विकेट हालांकि
उन्होंने आज बहुत जल्दी खोई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक अच्छी वापसी जरूर की है। और जैसा हम हमेशा बातचीत करते हैं कि ये दो खिलाड़ी आपस में भाई भाई हैं, ऐसे में तालमेल उनका बहुत बढ़िया रहता है। अब तक रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी रही है। इशनाग अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं ओवर द विकेट, जो कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, बढ़िया प्रयास वहां जुबैर डार के द्वारा। मुंतजिर बशीर जो है ठीक शॉर्ट फाइल लेग के अंदर मौजूद थे और उन्होंने गेंद को बढ़िया तरीके से गेंद को उठाया था। हालांकि एक थ्रो भी उन्होंने किया था, लेकिन विकेटों पे गेंद नहीं वहां लगी थी, उस कारण से वहां बचते नजर आ रहे हैं खिलाड़ी। लेकिन जुबैर डार ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, जो विकेट कीपर की आज भूमिका निभाते हैं। हालांकि अमूमन पिछले कुछ समय से वो विकेट कीपर की भूमिका नहीं निभाते हैं, लेकिन जैसा उनको मालूम है कि आज एक बड़ा मुकाबला है, ऐसे में वो खुद विकेट कीपर की भूमिका आज निभाते नजर आ रहे हैं। आज इश्तियाक नाग उस लय में नहीं दिख रहे जिसके लिए जाने जाते हैं। अभी तक 5 गेंदें जो है वाइड के रूप में फेंकी है इश्तियाक नाग ने। फिलहाल चले एक बार फिर से आतिफ नबी के लिए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए इस शॉट को और गेंद गिरी नो मैन्स लैंड पर। एक मौका जरूर बनाया था इश्तियाक नाग ने, लेकिन भाग्य का साथ मिलता हुआ आतिफ नबी को। स्कोर अभी भी 47 रन एक विकेट के नुकसान पर। पारी का यह 8वां ओवर इस समय चल रहा है और अभी भी 5 गेंदें बची है पावर प्ले के। कितना लाभ उठाएंगे इन 5 गेंदों पर ये बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। और आतिफ नबी अभी भी 19 रन पर बल्लेबाजी कर रहे, 18 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 3 चौबे चार दिया। एक बार फिर से थोड़ी सी लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, जोखिम भरा रन जरूर लिया वहां पर आबिद नबी की कॉल थी और प्राप्त किया एक रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और अब जो प्रभाव है वो बीसीसी बारामूला के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हैं बल्लेबाज और बीच बीच में चौके भी लगाते हैं। ये जो लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा वहाँ उपलब्ध है। ऐसे में आप वहाँ जरूर जाइए और वो आपकी खिदमत वहाँ जरूर करेंगे। इस बार अच्छी गेंद, जेड में गेंद, गेंद को खेला शॉर्ट कवर की ओर, वहाँ जहूर जोल ने गेंद को उठाया। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ आबिद नबी इस समय स्ट्राइक पे हैं और थोड़ा सा समय वो जरूर लेंगे, क्योंकि वो ये भले भांति जानते हैं कि ये फॉर्मेट 30-30 ओवर का है। ऐसे में आप अपने समय निश्चित तौर पर वहाँ बिता सकते हैं। इशनाग अगली बार फिर से आ रहे, इस बार बढ़िया गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, बड़ा स्ट्रोक, लेकिन इस बार बल्ले पे ये गेंद नहीं लगी। ये पारी का 8वां ओवर, 48 रन एक एक विकेट के नुकसान पे और आउट होने वाले खिलाड़ी केएल रियाज, जिन्होंने आज खाता नहीं खोला है। हालांकि सेमीफाइनल में 70 रनों की नाबाद पारी उन्होंने जरूर खेली थी। जी बिल्कुल, प्रभाव का फाइनल का जो प्रभाव है वो कुछ अलग प्रकार का रहता है और इस बड़े मंच पर खेलना आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। और आबिद नबी जो है वो अनुभव के साथ यहाँ पर पूरी तरह से दिखाते हुए अपना अनुभव, इस समय 14 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 24 गेंदों का सामना किया है अभी तक। 2 गेंदें केवल बची और आबिद नबी ने अब स्पष्ट तौर पर यह रणनीति अपनाई कि बड़े शॉट के लिए जाएंगे। बढ़िया गेंद, एक बार फिर से ब्लॉक होल में गेंद थी, खोद के निकालना चाह रहे थे बल्लेबाज आबिद नबी, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला और एक बिंदी गेंद आती हुई इश्तियाक नाग की ओर से। इश्तियाक नाग ने अभी तक 1.5 उनका गेंदें फेंकी और 8 रन खर्च किए और अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। आबिद नबी तो एक बढ़िया खिलाड़ी है ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता में उनके बल्ले से एक शतकीय पारी भी निकली है और इस बार अच्छी गेंद, देखिए सम्मान दिया, ये तो काबिलियत होते हैं बड़े खिलाड़ी में। जब आप अच्छी गेंदें करोगे तो उनका आप सही सम्मान देते हैं, जब खराब गेंदें हैं तो उसका आप सही चयन करें। अब तक बिल्कुल वही नजर आ रहा है जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने निश्चित तौर पर देख सकते हैं। इसी के साथ वहाँ ओवर की समाप्ति होती हुई, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन एक विकेट के नुकसान पे और आउट होने वाले खिलाड़ी केएल रियाज, जो उमर लोन का शिकार बने। उमर लोन ने पहले ही ओवर में उसको क्लीन बॉल्ड करके डग आउट का रास्ता दिखाया था। हालांकि उस गेंद पे अंदरूनी बाग लगा था महनाज, तब जाके गेंद विकेट पे लगी थी। कभी कभी कभार आपको किस्मत का भी साथ देना होता है, लेकिन उस बार केएल रियाज भागीदारी जो है किस्मत वाले नहीं रहे। अभी तक का बीसीसी बारामूला ने 4 विकेट इस्तेमाल किए हैं, उमर लोन ने 3 ओवर्स डाले
और मुंतजिम बशीर के हाथों में जो है अब गेंद थमा दी गई। अब स्पिन आक्रमण यहां पर इस्तेमाल किया गया है बीसीसीआई बारामूला की ओर से, और इससे ये प्रतीत हो रहा है कि लगातार विकेट की तलाश में है बीसीसीआई बारामूला की टीम। उमर लोन ने 3 ओवर्स डाले, 12 रन देकर एक सफलता प्राप्त की। जहांगीर लोन ने 2 ओवर्स डाले, 15 रन दिए और कोई विकेट प्राप्त नहीं की। इश्तियाक नाग ने 2 ओवर्स डाले, 8 रन देकर कोई सफलता अर्जित नहीं की। जहूर जोलू ने केवल 1 ओवर डाला जिसमें उन्होंने 10 रन खर्च किए और अभी तक जो है 4 विकल्प इस्तेमाल किए, और अब मुंतजिम बशीर को लाया गया है आक्रमण करने के लिए। और ये जो मैदान है ये एक लोकप्रिय मैदान है, यानी कि बहुत फेमस मैदान है, सुभान स्टेडियम सोपोर, जो डिग्री कॉलेज के बिल्कुल बगल में है, हायर सेकेंडरी के बिल्कुल पीछे। ऐसे में इस मैदान को सभी जानते हैं। सोपोर कप का फाइनल मुकाबला इस समय हो रहा है सिटी हंक्स जिमखाना बनाम बीसीसीआई बारामूला। और तो जुबैदार उनके कप्तान जो है अब वो अपने ट्रंप कार्ड को लेके आए हैं, मुंतजिम बशीर जो बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी करते हैं, और ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे मुंतजिम बशीर। हालांकि वो एक अच्छे गेंदबाज जरूर है, युवा गेंदबाज है, ऐसे में मजा आएगा देखने का क्योंकि इसके विरुद्ध वो किस तरह से खेल पाएंगे। इस बार बढ़िया फील्डिंग जहांगीर बख्शी ने, डीप विकेट पे वो तैनात थे, दौड़कर उन्होंने इस गेंद को सरलता के साथ फील्ड किया, तब जाकर 2 रनों से वहां संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के साथ 50 रन बोर्ड के ऊपर मुंतजिर बशीर कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, जो बाएं हाथ के स्पिनर गेंद को फ्लाइट जरूर दे रहे हैं, ललचाते हैं ये बल्लेबाज को। और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल देख सकते हैं, इस बार बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से नासिर बाली वहां मौजूद है, गेंद को वहां रोक नहीं पाएंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, अब धीरे धीरे जो पारी है वो अच्छी नजर आती हुई इन दो बल्लेबाजों के बीच में, आतिफ नबी और आबिद नबी अपनी दावेदारी पेश करते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवरों की समाप्ति के बाद। और अगर हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे सिटी जिमखाना की, उनमें आतिफ नबी, केलर रियाज, आबिद नबी, आमिर सोपी, नजीर टाइगर, नदीम डार, निसार जहांगीर, बाट आसिफ, रमजान गवर, लेगी मेराज मौलवी, सिकंदर मकबूल, ये प्लेइंग 11 है सिटी जिमखाना की ओर से। बढ़िया गेंद, अब की बार थोड़ा सा लालचाया था, काफी देर तक गेंद को हवा में रखा, वहां पर गेंदबाज मुंतजिम बशीर ने सम्मान के साथ खेल दिया। आतिफ नबी ने रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और अमूमन आतिफ नबी जो आपके स्क्रीन के सामने है वो बड़े स्ट्रोक्स खेलने के माहिर है। सेमीफाइनल में भी उन्होंने एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी जिसमें 6 छक्के उनकी पारी में सेमीफाइनल में मौजूद थे, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा सा समय जरूर लिया है, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने जरूर देख सकते हैं। अगली बार अच्छी गेंद थी, मिडल और ऑफ स्टंप पे गेंद, वहां दिशा दिखाना चाहते थे गेंद को, वो जानते हैं कि ऑफ साइड में कोई भी खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है, ऐसे में अगर आप गैप ढूंढने में कामयाब होंगे तो आप वहां रन अर्जित जरूर कर सकते हैं, लेकिन अब तक गैप ढूंढने में वहां ये कामयाब नहीं हुए हैं आतिफ नबी। इस बार मुंतजिर बशीर जो है, अच्छी गेंद थी मिडल और ऑफ स्टंप पे, फिर से ये गेंद थी, वहां गेंद को खेला था, हालांकि रन बनाने का बिल्कुल भी संभावना नहीं। लगातार ये प्रयास कर रहे हैं बड़ा स्ट्रोक खेलने की, लेकिन अब तक बल्ले पे उस तरह से गेंद नहीं आई है, और कुछ हद तक तारीफ करनी होगी वहां गेंदबाजी की भी, खास तौर से मुंतजिम बशीर की, जिस तरह से अब तक वो गेंदबाजी करते आए हैं। अगली बार फिर से और दो विकेट, इस बार फ्लाइटेड गेंद उठाकर खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की ओर, पूरी तरह से चूकते नजर आ रहे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आतिफ नबी और आबिद नबी इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। एक अच्छी सोच, आप व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारे मंच की तरफ से। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच का आप लगातार हिस्सा बने रहिए, और आज कश्मीर सपोर्ट्स वॉच बन चुकी है अब हर घर की आवाज़, जैसा आप हमेशा सुनते हैं। कुछ बातचीत व्यूअर्स से भी हो जाए क्योंकि जब समय होता है, अल्ताफ सईद शाह वो प्लेइंग 11 सुनना चाहते हैं। लोन मधु लिख रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक मनु,
अल्ताफ अहमद शाह लगातार, डार आमिर भी हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, मोमिन सुल्तान, पीर मुजम्मिल के साथ साथ बासित वानी, शहीद किफायत इकबाल भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। हाजी खालिद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमारी तरफ से आपको। हाजी खालिद जो बानीपुरा से ताल्लुक रखते एक दिग्गज खिलाड़ी है, एक बार फिर से भड़िया की निष्ठी आकर नाक की ओर से हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है, क्लाइव के सहारे शॉट फाइनल के क्षेत्र में। जब तक फील्डर जुबैर डार गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया। आबिद नबी और आतिफ नबी अब पूरी तरह से क्रीज पर डटे हुए सेट हो चुके हैं पूरी तरह से, और अब जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि बीसीसीआई बारामूला चाहेगी कि हम कम लक्ष्य पर इनको रोकना चाहेंगे। हम अपने व्यूवर से क्षमा चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि आज हम ज़्यादा बातचीत अपने व्यूवर से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका मुख्य कारण है क्योंकि हमारा जो कॉन्सेंट्रेट है वो सारा मैच के ऊपर है। क्योंकि जब हम व्यूवर से बातचीत करते हैं, कुछ व्यूवर्स आप में ही होते हैं, वो बोलते हैं कि आप मैच के ऊपर ध्यान दें, न केवल आप उनके साथ बातचीत करें। ये दुविधा हमेशा हमें नज़र आती है। जहूर सलीम के साथ साथ जैक, उसके साथ साथ मीर अल्ताफ इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी इशना की, पड़ने के बाद अंदर की ओर कांटा बदलती हुई, इस बार आतिफ नबी ने सम्मान के साथ गेंद को खेला। बॉलर्स बैक ड्राइव, वहां रन बनाने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है। सुभान स्टेडियम सोपोर, जो कॉलेज के बिल्कुल बगल में है, हायर सेकेंडरी सोपोर के बिल्कुल दाएं की ओर नजर आता है। एक लोकप्रिय मैदान है ये, और हमेशा जब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो इसी मैदान में होते रहते हैं, और ऐसे में काफ़ी यादें जो हैं वो इस मैदान से गुजरती हैं खिलाड़ियों को। जी बिल्कुल, एक बड़ा मैदान है, ऐतिहासिक खूबसूरत मैदान, और हर टीम चाहती है कि हम इस प्रतियोगिता का हिस्सा रहे, क्योंकि एक बड़ा प्रतियोगिता था। 32 टीमों ने इसमें प्रवेश किया था, और इश्तियाक नाग एक बार फिर से आक्रमण करेंगे। एक अच्छी गेंद थी उछलती हुई, ग्लव्स पे लगने के बाद गई है शॉट स्केले के क्षेत्र में। चलो इश्तियाक नाग एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लगातार गेंद को अंदर की तरफ ला रहे हैं राइट हैंड बल्लेबाज के लिए इश्तियाक नाग। अच्छी सोच सिकोर, अभी भी 55 रन एक विकेट के नुकसान पर, 9.2 ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। 6 विकल्प की तक इस्तेमाल किया है बीसीसी बारामूला ने। इश्तियाक नाग फील्ड की जमावट अभी भी ऑफ साइड पर, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी को तैनात किया है जहांगीर बख्शी को। इश्तियाक नाग चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद थी, बैकफुट पे जाके हल्के आपसे गेंद को धकेल दिया था शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर जहूर जोलू तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। जुबैर डार अब इश्नाक के पास गए हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन के बिल्कुल सामने देख रहे हैं, उनसे वो थोड़ी बातचीत करते हैं। जहांगीर लोन मिड ऑफ के अंदर इस समय मौजूद है, वो उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, काफ़ी नज़दीकी से वो इश्नाक से जानते हैं, ऐसे में लगातार जहांगीर लोन से उनकी बातचीत होती है। और परसों ही एक फाइनल में भी वो एक साथ नज़र आ रहे थे, जहां जहांगीर लोन ने एक शतकीय पारी खेलती। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, और जितना अच्छा ये स्ट्रोक था उससे अच्छी वहां फील्डिंग की गई थी जहांगीर लोन के द्वारा, उस कारण से वहां, लेकिन उतनी सफाई के साथ गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। जहांगीर लोन ने ड्राइव लगाकर इस गेंद को रोकना जरूर चाह रहे थे, लेकिन अंतिम चरणों में उनके हाथ से गेंद छिटकती नजर आ रही थी, गेंद बाउंड्री के बाहर गई। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 59 रन एक विकेट के नुकसान पे, ये पारी का 10वां ओवर। अगर आप रन रेट की बात करेंगे तो 6.00 की रन से वो इस समय प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं, ऐसे में वो एक अच्छी वापसी उन्होंने जरूर की है। शुरुआत में जब आप विकेट खो बैठते हैं, आप ये जानते हैं, तो फिर माध्यकर्म में दबाव आता है, लेकिन ऐसे में उन्होंने ज्यादा दबाव नहीं लिया है अपने बल्लेबाजी पे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक ऑफसाइड की ओर धकेला, गेंद गई डीप पॉइंट के अंदर, वहां खिलाड़ी मौजूद है जहांगीर बख्शी, और उन्हें गेंद को सरलता के साथ गेंद को फील्ड किया, तब तक आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ 60 रन बोर्ड के ऊपर 10 ओवर की समाप्ति के बाद शायद ड्रिंक की ट्रॉली अब मैदान में उतार दी गई है, यानी कि गनी स्ट्रेटजिक टाइम आउट लिया गया है, गनी आटू व्हील स्ट्रेटजिक टाइम आउट अब यहाँ लिया गया है। ड्रिंक की ट्रॉली अब मैदान में उतार दी गई है, ये थोड़ा समय के लिए होता है, लगभग 1.5 मिनट के
ये अंतराल होती है, उसके बाद फिर से वो लाइव का लाइव हम आपके साथ जुड़ेंगे। जैसा बीसीसी बारामूला के सभी खिलाड़ी इस समय हडल बनाई हुई है और उन्हें आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, और आज के जो है ऑफिशियल फोटोग्राफर और ख़ास तौर से उनका भी बहुत बढ़िया योगदान रहा है, बिलाल सुल्तान जो आपके बिल्कुल स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, आज ये ऑफिशियल फोटोग्राफर है और ख़ास तौर से कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के एक बहुत बढ़िया हिस्सा है ये, और आज के मैच को वो कवर ज़रूर कर रहे हैं। गुलाम कादिर काचरू साहब वो इस समय हमारे लाइव प्रसारण में आ रहे हैं, आज सुबह उनके साथ बातचीत हुई है और क्या बढ़िया पर्सनैलिटी है और सपोर्ट्स के लिहाज से उनके काफ़ी कार्य रहे हैं। सोपोर की अगर आप बात करें, आज सुबह उनके साथ मेरी बातचीत हुई है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे हमारे एफर्ट्स को लेके। हम आपके बहुत आभारी हैं गुलाम कादिर काचरू साहब, आप हमेशा सहयोग करते हैं। आज सुबह जब आप मैदान में आए थे, आपके आने से इस मैदान में भी चार चांद लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में भी इसी तरह का सहयोग ज़रूर करेंगे। ड्रंक की ट्रॉली जो है वो अब मैदान से बाहर जा चुके हैं, यानी कि गनी आटू व्हील्स जो स्ट्रेटजिक टाइम आउट लिया गया था वो अब समाप्त हुआ है। गनी आटू व्हील्स स्ट्रेटजिक टाइम आउट हुआ समाप्त, 10 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 60 रन एक विकेट के नुकसान पर 6.0 की अवसर से जो है इस समय करंट रन रेट चल रही है सिटी जिम खाना की ओर से, और धीरे धीरे जो है अब पारी को संभाला है इन बल्लेबाजों ने। आतिफ नबी 30 रन बना के खेल रहे हैं, आबिद नबी जो इनके भाई है वो 15 रन बना के खेल रहे हैं। एक अच्छी सोच कुल मिला के अगर हम कहेंगे सिटी जिम खाना की ओर से, क्योंकि पहले ओवर में विकेट गंवा दिया था और उसके बाद ही इन बल्लेबाजों ने पारी को संभाला है। मुंतजिम बशीर के हाथ में एक बार फिर से गेंद थमा दी गई, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को खिलाड़ी तैनात और एक आसान सा कैच छोड़ दिया लॉन्ग ऑन पर जहांगीर बख्शी ने। हालांकि अभी तक अच्छी फील्डिंग करी थी, 7-8 रन बचाए थे अपने टीम के लिए, लेकिन अब की बार एक आसान सा कैच और लपकना चाहिए था, एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया था मुंतजिम बशीर ने। आतिफ नबी को चलता किया था, लेकिन एक जीवन दान मिलता हुआ आतिफ नबी को, अब वो कितना लाभ उठाएंगे वो भारी पड़ सकता है बीसीसी बारामूला को। और गलती भी किस खिलाड़ी से, लेजेंड खिलाड़ी जहांगीर बख्शी से इस बार चूक हुई थी, वो डीप मिडकट के बिल्कुल सीमा रेखा के मौजूद थे और उन्होंने गेंद को वहां छोड़ा। हालांकि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस कैच को लपक पाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। ये पारी का गहरवा ओवर कुल मिला के 62 रन एक विकेट के नुकसान में आतिफ नबी को एक अच्छा जीवनदान यहाँ दिया गया है, तो अब देखना पड़ेगा वो इस जीवनदान का कितना फायदा उठा पाएंगे। जी बिल्कुल, एक खराब सोच यहाँ पर, कैच लपकना चाहिए था। चले एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को, सुकेलेक पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए, और यहां पर इसी को कहते हैं जले पे नमक डालना, एक आसान सा कैच जो छोड़ दिया था और उसके बाद चौका। जी हाँ, नहले पे दहला इसको कहते हैं, पिछले ओवर में पिछले गेंद पे उनका एक कैच छोड़ा था और इस बार अच्छी गेंद के सामने एक अच्छा स्ट्रोक लगाया गया आतिफ नबी के द्वारा, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 67 रन इस बार, बढ़िया अक्रॉस द लाइन और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, पहला छक्का मिड विकेट के ऊपर से। जी बिल्कुल, गेंद गई दूर कोसो दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन और आतिफ नबी के बल्ले से और एक छक्का आता हुआ। अरे अब इस बल्लेबाज ने पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर यहां पर सोच बनाई कि अब बड़े शॉट्स लगाएंगे। अब स्कोर जो है वो पहुंच चुका है 72 रन पर एक विकेट के नुकसान पर, प्रभाव जो है वो अब मुंतजिम बशीर के ऊपर आता हुआ। भागीदारी की अगर आप बात करें, पार्टनरशिप की अगर आप बात करें, 60 गेंदों में 67 रनों की भागीदारी भी हुई है इन भाइयों के बीच, और ऐसे में काफी खुश हुए। इस बार फिर से फ्लाइट चिट गेंद छकाया था, ज्यादा मालूम नहीं था, अच्छी वापसी मुंतजिम बशीर की ओर से। आते पर नबी 41 रन पर खेल रहे हैं, 34 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और एक बड़ा छक्का जड़ दिया अभी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। मुंतजिम बशीर चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया और गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए,
गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में हवाई फायर। और जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, हवाई फायर। अगर आप उनके पाले में गेंदबाजी करेंगे तो ये इस तरह का हशर करते हैं फिर, क्योंकि शारीरिक भाषा अगर आप उनकी देखिए तो कैरन ब्लड से थोड़े मिले जुलते हैं, ऐसे में वो पावर का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, खेरा उनके समाप्ति के बाद स्कोर 78 रन एक विकेट के नुकसान पर, एक विकेट के नुकसान पर। गैर ओवर की समाप्ति के बाद करंट रन रेट जो है वो 7.90 के हो चुके। एक बड़ी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए आतिफ नबी और आबिद नबी मुंतजिम बशीर के ऊपर एक प्रभाव डालते हुए गेंदबाज इश्तियाक रसूल एक बहुत बड़ी सोच यहां पर। आतिफ नबी 47 रन पर पहुंच चुके और 35 गेंदों का सामना किया है, एक अच्छी कुल मिला के एक अच्छी पारी खेली अभी तक। और बिल्कुल सही कहा आपने, अब आतिफ नबी ने 35 गेंदों में 47 रनों की नाबाद पारी खेली है, अब केवल 3 रन उनको अपने अर्धशतकीय पारी चाहिए। 6 चौके 2 छक्के उनके पारी में अभी भी मौजूद हैं। अल्ताफ अहमद शाह इस समय बोल रहे हैं दिस वॉज नॉट स्पिन रादर मीडियम पेस। और बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो फिर इसी तरह का हशर करते हैं ये खिलाड़ी। इस समय इश्नाक गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर कॉलेज छोड़ से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। आबिद नबी तो एक लेजेंड खिलाड़ी हैं, ये आप सभी जानते हैं, खासा लंबा अनुभव उनके पीछे है। ऐसे में वो अपनी विकेट के ऊपर एक टैग प्राइज हमेशा छुपा देते हैं, उतनी आसानी से ये विकेट नहीं खो देते हैं। बिल्कुल एक अच्छी सोच यहाँ पर आबिद नबी की, जानते हैं कि कितना महत्व है। एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाई इस शॉट को आबिद नबी। गेंद चली गई मिड ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर जहांगीर लोन तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और आबिद नबी जो है वो पूरी तरह से डटे हुए और एक छोर जो है वो बांध के रखा है इस बल्लेबाज ने। और जानते हैं कि अगर एक अच्छा लक्ष्य देना है बीसीसी बारामूला के विरुद्ध तो इस प्रकार की बल्लेबाजी करने के बाद फिर से तो लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है शॉट फाइनल के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया। और ये तो बल्लेबाजी होनी चाहिए, खास तौर से जब आप 30-30 ओवर का फॉर्मेट खेलते हैं, अगर छक्के चौके नहीं आते हैं ना तो फिर स्ट्राइक रोटेट करनी बहुत जरूरी। वही इस समय ये दो खिलाड़ी कर रहे हैं, आपस में ये भाई भाई है, संभावना ये भी है कि तालमेल बढ़िया रहता है उनका। ऐसे में आंखों ही आंखों में वो इशारा कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद गई डीप पॉइंट की और वहां जोर जोलू मौजूद है, वो एक अच्छे फील्डर है। और उन्होंने गेंद को पूरी अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया, तब तक आसानी के साथ एक रन दौड़ के पूरा किया। ये पारी का भरवा ओवर इस समय चल रहा है, 80 रन एक विकेट के नुकसान पे सिटी जिमखाना की टीम। आबिद नबी 31 गेंदों में 17 रन बना के नाबाद है। इश्नाक अगली बार फिर से, इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद को धकेला था ऑन साइड की ओर, शॉट मिडविकेट के ऊपर उमर लोन तैनात है, उन्होंने गेंद को उठाया तब जाकर आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ 81 रन बोर्ड के ऊपर ये पारी का भरवा ओवर। अगर आप करंट रन रेट की बात करेंगे ना तो 6.76 के औसत से इस समय रन बना रहे हैं। अगर इसी तरह से चलते रहेंगे तो 206 रन पे पहुंचाएंगे वो। मुझे लग रहा है कि इसे और अतिरिक्त रन पे वो जाना जरूर चाहेंगे। इश्नाक की अच्छी गेंद थी, गेंद को इस बार घेट किया तिरछे बल्ले से थर्ड मैन की ओर, वहाँ बुरान नबी मौजूद है, तब तक आसानी के साथ गेंद को उन्होंने फील्ड किया। इस एक रन के साथ 82 रन बोर्ड पे, 12 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन एक विकेट के नुकसान पे। अब आतिफ नबी को केवल एक रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को। सेमीफाइनल में भी उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी और आज एक बड़े दिन पे भी उनके बल्ले से रन एक बार फिर निकलते हुए। जी बिल्कुल, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। आतिफ नबी 49 रन पर खेल रहे और 37 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 2 बड़े छक्के जड़ दिए हैं ऑन साइड की तरफ। तो अब बीसीसी बारामूला की टीम एक मुश्किल संकट में पड़ती हुई क्योंकि लगातार विकेट की दरकार रहेगी। और अब नासिर बैली को यहां पर गेंद थमा दी गई है जिन्होंने सेमीफाइनल में 4 विकेट चटकाए थे और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से घोषित किया गया था इसको। और आपके बाहर अब निगाहें उसी पर रहेगी कि यहां पर एक विकेट की दरकार है
बीसीसी बारामूला को। और बिल्कुल सही कहा आपने, सेमीफाइनल के तो ये हीरो हैं नासिर बैली, जो अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कमेंट्री छोड़ एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। जहांगीर लोन जो है युवाओं के साथ लगातार बातचीत वो जरूर कर रहे हैं, अपना जो अनुभव है वो पूरी तरह से झोंकता नजर आ रहा है, वो थोड़ी सी दुविधा में भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जो ये साझेदारी हुई है और ऐसे में उनके लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि आज शुरुआत में एक विकेट आउट हुई। और ये लीजिए वादिया कश्मीर का सबसे बढ़िया पर्सनालिटी एडवोकेट हिलाल अहमद डार, जिसको अंपायर सेंसेशनल कहा जाता है, और क्या भागीदारी रही है क्रिकेट को आगे पहुंचाने की। अगर आप वादिया कश्मीर की बात करें महनवाज, ये एडवोकेट हिलाल अहमद डार है वादिया कश्मीर के एक बढ़िया पर्सनालिटी, खास तौर से अगर आप सपोर्ट्स के लिहाज से बातचीत करें उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जे एंड के क्रिकेट को आगे बढ़ाने का। अंपायर सेंसेशनल इनको कहा जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे लग रहा है कि आपने उनको काफ़ी बार देखा होगा। जी बिल्कुल, एडवोकेट हिलाल डार पूरे कश्मीर वैली की ग्रेट पर्सनैलिटी है। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है सपोर्ट्स के लिहाज से। अगर हम बातचीत करेंगे नासिर बैली एक बार फिर से आक्रमण करेंगे आबिद नबी के विरुद्ध, और हमारी डेढ़ बड़ी शुभकामनाएं हिलाल भाई आपके साथ है। इंशाल्लाह जो कार्य आप कर रहे हैं सपोर्ट्स के लेके वो बहुत ही सराहनीय है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, ये हम पूरी तरह से मानते हैं। अगली बार नासिर बैली, इस बार बढ़िया गेंद थी ऑन साइड की ओर धकेला, वहां जोर जोर डिप्स के लेग से खिलाड़ी आ रहे हैं, तब तक वहां एक रन बड़ी आसानी से दौड़कर पूरा किया। हालांकि वो तो प्रयास कर रहे थे दूसरा रन दौड़ने की, लेकिन वहां पूरा अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को उठाया, आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया। अच्छे फील्डिंग वहां इस समय दिखता नजर आ रहा था। जी बिल्कुल, हालांकि एक अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं सभी खिलाड़ी अगर हम बात करेंगे, लेकिन लॉन्ग ऑन पे जो कैच छोड़ा है जहांगीर ने वो काफी ज्यादा उसका जो असर है वो पड़ चुका है अब गेंदबाज के ऊपर। नासिर बैली चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, आतिफ नबी की ओर से और बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चार रन खेले और इसी के साथ आतिफ नबी की अर्धशतक की पारी हुई समाप्त, बहुत बड़ी पारी। और ये देखिए आबिद नबी अपने वायु को पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं, एक अर्धशतक की पारी वो खेलकर इस समय नाबाद है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। हालांकि एक कैच उनका जरूर छोड़ा गया था डीप मिडविकेट के ऊपर से, जब उन्होंने स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था जहांगीर बख्शी ने वो कैच छोड़ा था। हालांकि अमूमन उस खिलाड़ी से इस तरह की गलतियां नहीं होती हैं, ये हम पारंपरिक तौर पे देखते हैं, लेकिन क्रिकेट में कब क्या होता है ये किसी को मालूम नहीं है, इसलिए ये खेल इतना लोकप्रिय है। खैर भारत में तो इसको धर्म के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस समय दो महान टीमें आपस में टकरा रही है, हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जहांगीर लोन ने पिछले ही दिनों में एक अर्धशतकीय पारी खेली थी, 135 रन पे नाबाद वो रहे थे जो कल का फाइनल था, और ऐसे में उनका जो मानसिकता है महनाज वो सातवें आसमान पे होगी क्योंकि ये मैच बड़ा है, और ऐसे में जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे काफी ज्यादा निर्भर करेगा उनकी बल्लेबाजी आज। जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट तौर पर जरूर है कि इश्तियाक नाग और जहांगीर लोन पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा कि ये कितना डीप लेके जाएंगे मैच को और क्या मैच जितवा के देगी अपनी टीम को, ये देखने वाली बात होगी। नासिर बैली चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया हल्के हाथ से, तब तक का बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया। और जहांगीर लोन ने कल क्यूनुसा में एक शतकीय पारी खेली थी 135 रनों की, और नाबाद भी रहे थे 280 रनों का लक्ष्य दिया था 20 ओवरों में, तो इस समय उस पर काफी ज्यादा निर्भर रहेगा जहांगीर लोन पर। इस समय इनफॉर्म बल्लेबाज है तो कुछ योगदान देना होगा अपनी टीम को। ये पारी का इस समय 13वां ओवर 90 रन एक विकेट के नुकसान पे आबिद नबी और आतिफ नबी इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। नासिर बैली अगली बार फिर से आ रहे हैं, लेकिन लेग स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद थी, निश्चित तौर पे वॉइड का इशारा होना चाहिए। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91 रन, ये पारी का 13वां ओवर, और आउट होने वाले खिलाड़ी KL रियाज जिन्होंने आज
कोई भी रन नहीं जोड़ा है, यानी कि शून्य रन बनाकर वो वापस जा चुके हैं जो उमर लोन का शिकार बने। पहले ही ओवर में उमर लोन ने एक दचका दिया था, उम्मीद की जा रही थी आज सिटी जिमखाना को थोड़ी सी दुविधा होगी, लेकिन इन दो खिलाड़ियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। इस बार आतिफ नबी के लिए गेंद को धकेला ऑन साइड की ओर, शॉट्स के लेग पे जहांगीर बख्शी इस समय वहां मौजूद थे, तब तक आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन एक विकेट के नुकसान पे आतिफ नबी छुप रन बना के नाबाद है। 41 गेंदों का सामना किया, 7 चौके 2 छक्के के बदौलत वो इस समय नाबाद है। आबिद नबी ने 34 गेंदों का सामना किया, 20 रन बना के वो भी नाबाद इस समय नजर आ रहे हैं। लगातार व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटी कोटी शुभकामनाएं। इस समय हम सुभान स्टेडियम सोपोर से आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं, एक बड़ा निर्णायक मुकाबला चल रहा है सिटी जिमखाना बनाम बीसीसी बारामूला। आज सुबह टॉस जीता बीसीसी बारामूला ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, एक विस्तृत फैसला जरूर लिया वहां पर जुबैर डार ने। अब वो सोच रहे होंगे कि हमने पहले बल्लेबाजी ही करी होगी। शायद वो फैसला उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि जो मौसम विभाग की ओर से खबर आ रही है कि आज शायद 4 बजे के बाद वर्षा भी हो सकती है, और ऐसे में सुबह सुबह यहाँ काले बादल भी आसमान के ऊपर थे, उनको शायद ये एहसास हुआ था कि शायद वर्षा होगी मैच के अंदर। लेकिन अब तक अगर आप देखें मौसम अब बढ़िया तरीके से हुआ है, ऐसे में मुझे लग रहा है कि खेल के लिए ये एक बढ़िया दिन होने जा रहा है। दो महान टीमें आपस में इस समय टकरा रही हैं। मुंतजिम बशीर का अब छोट जो है वो एंड किया जा रहा है, अब वो कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे। आकिब रथर इस समय लिख रहे हैं, फैन ऑफ योर कमेंट्री उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर तांत्रे लिख रहे हैं, साजिद आमला हैं, साजिद आमला इस मैच का आज हिस्सा नहीं है, अगली बार फिर से आ रहे हैं। मुंतजिर इस बार बढ़िया स्ट्रोक, इस बार खिलाड़ी मौजूद हैं, वह कोई गलती नहीं की गई और आतिफ नबी इसी के साथ उनकी विकेट अब आउट हुई। मुंतजिर बशीर के हाथ ये विकेट लगती हुई, हालांकि पिछले ओवर में भी मुंतजिर बशीर ने उनको आउट किया था जब जहांगीर बख्शी ने वो कैच छोड़ा था, लेकिन इस बार वहां कोई गलती नहीं हुई और मुंतजिर बशीर ने इस साझेदारी को यहां तोड़ डाला। ये दूसरी विकेट का पतन, अब वापस जा रहे हैं, लेकिन महनवाज उन्होंने तो अपना काम जरूर किया है अपनी टीम के लिए। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया वहां पर मुंतजिर बशीर ने, और जिसकी दरकार थी, लगातार फील्डिंग अनुसार गेंदबाजी कर रहे थे, शरीर में गेंद रखी और उसीलिए खिलाड़ी को तैनात किया गया था दीपा सुकैर लेग पर। और आतिफ यहां पर आउट होते हुए एक अच्छी पारी खेल के 92 के स्कोर पर ये दूसरा झटका लगता हुआ सिटी जिमखाना को। और आइए चलते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत अपने व्यूअर से भी करेंगे। इजा आरफी लिख रहे हैं, लोन मधु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लव यू मोना, मोना के बहुत ज्यादा समर्थन। इम्तियाज बट इम्तियाज फ्रॉम नातीपुरा सोपोर, इट इज आरफा वाइट फ्रॉम यू, ये हमें ये लिख रहे हैं कि मैं छोटे कस्बे के साथ सोपोर से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे सहयोगी कॉमेंटेटर पाटन से ताल्लुक रखते हैं। आमिर तांत्रे, नासिर भाई बोनियार का बीसीसी रेडस, बिल्कुल सही। एजाज रोहतर एजाज भी इस समय हमारे साथ इस समय जुड़ते नजर आ रहे हैं। जुनैदुल इस्लाम भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं बट नईम के साथ। आकिब रूमी, आसम कमेंट्री, मुश्ताक वानी, यू आर रियली ग्रेट कमेंट्री, नासिर अहमद, नाइस कमेंट्री डिया उमर। जुनैदुल इस्लाम भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इश्फाक स्कोर के लिए बोल रहे हैं, डार शाहिद भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। ये पारी का 14वां ओवर, 92 रन 2 विकेट के नुकसान पे अब नए खिलाड़ी आसिफ रमजान आए हैं जो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, वो अब मुंतजिर बशीर का सामना करेंगे। इस बार अच्छी गेंद, झटके अंदर ये गेंद, सम्मान दिया गेंद को, खेला रन बनाने का संभावना नहीं। शॉर्ट कवर पे अब जहांगीर लोन मौजूद है, गली क्षेत्र के अंदर नजीर मौजूद है जो कैचिंग पोजीशन पे रखे गए हैं। बैकवर्ड पॉइंट पे उमर लोन तैनात किए जा रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद, चारों खाने चित, इस बार छकाया जरूर था वहां बल्लेबाज को, जुबैर डार भी वहां चूकते नजर आ रहे हैं। तब तक शाहनवाज नजीर गेंद को फील्ड करने के लिए गए हैं, तब तक आसानी के साथ 2 रन अर्जित किए हैं, लेकिन इस बार बाई के रूप में ये रन अर्जित हुए हैं। इन 2 रनों के साथ 94 रन बोर्ड के ऊपर, ये पारी का 14वां ओवर इस समय मुंतजिर बशीर डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या एक मौका गवा दिया है जुबैर डार ने। ये देखने वाली बात होगी, थोड़ी सी बाहरी किनारा लगा था इस गेंद पर, लेकिन पूरी तरह से चूक गए वहां पर। स्ट्रोक स्वीप करेगा प्रयास और अपील
अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। एक अच्छा कैच जरूर लपका था वहां पर जुबैर डार ने, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। पारी का ये 14वां ओवर इस समय जारी है, स्कोर 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और अभी अभी जो आउट हो चुके हैं बहुत ही बड़े बल्लेबाज आतिफ नबी, जिन्होंने 56 रनों की एक अच्छी साझेदारी खेली। 42 गेंदों का सामना कर अंत में मुंतजिम बशीर का शिकार बने। मुंतजिम बशीर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लगातार स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं बल्लेबाज आसिफ रमजान, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, कट करना चाह रहे थे लेकिन अंदरूनी किनारा लगा और गेंद चली गई डीप फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, यासिर नाइस कमेंट्री, यासिर डोडा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, आप लगातार कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के साथ जुड़ते रहिए। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है सिटी जिम खाना बनाम बीसीसी बारामूला। मुंतजिम बशीर चले, बढ़िया गेंद थी, ड्राइव कर दिया इस गेंद को, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर जहांगीर लोन की ओर से। जहांगीर लोन पूरी जान फोंकते हैं इस मैच में, जानते हैं कि कितना बड़ा मैच है और सामने एक बहुत बड़ी टीम है। और बिल्कुल सही कहा आपने मेहनत, जब बड़े खिलाड़ी इस तरह से मेहनत करते हैं ना, जो अन्यथा खिलाड़ी होते हैं टीम पे, और उनके ऊपर भी फिर बढ़िया प्रभाव पड़ता है, फिर ये देख के अच्छा लगता है, कहना यही पड़ेगा। फिलहाल 14 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन 2 विकेट के नुकसान थे, अभी भी 16 ओवर का खेल बचा है, क्योंकि ये फॉर्मेट 30-30 ओवर का खेल है, और ऐसे में हम अपने सभी व्यूअर्स का दिल की उम्मीद गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि वो इतने समय से हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। मेहनवाज उतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि ये फॉर्मेट 30-30 ओवर का खेल है, ऐसे में व्यूअर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो हमारे साथ हमेशा जुड़ते नजर आते हैं। जी बिल्कुल, आप सभी व्यूअर्स को कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से और हमारे मंच की तरफ से। और आज आप अपने डाटा और मोबाइल को चार्ज पर रखें, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला चल रहा है और दूसरी इनिंग में बहुत मजा आएगा चेस होने में। और जी हाँ, जब इश्नाग और जहांगीर लोन मैदान के अंदर होंगे तब कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि वो इस मैच को देख नहीं पाएंगे। शहनवाज नजीर इस बार बढ़िया स्ट्रोक, स्लॉग स्वीप और गेंद को पूछाया दर्शक दीर्घ में, आबिद नबी के बल्ले से यह बढ़िया स्ट्रोक, स्वागत किया गया शहनवाज नजीर का छक्के के साथ। जी बिल्कुल, शहनवाज नजीर को स्वागत किया यहाँ पर छक्के के साथ, आबिद नबी ने एक बड़ा छक्का लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और इसके लिए जाने जाते हैं। और अभी तक शेर पूरी तरह से खामोश थे, लेकिन अब शेर जो है वो दहाड़ रहा है आबिद नबी। उससे पहले उनके भाई जो खेल रहे थे, अब वो जानते हैं उनको प्रदर्शन करना होगा। इस बार बढ़िया स्ट्रोक गाइड किया था थर्ड मैन की ओर, वहां गली क्षेत्र के अंदर मुंतजिर बशीर मौजूद हैं, और उन्होंने गेंद को सरलता के साथ उठाया, तब तक आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 103 रन ये पारी का 15वां ओवर शहनवाज नजीर डाल रहे हैं। अब बाएं हाथ के खिलाड़ी आसिफ रमजान आए हैं स्ट्राइक के, 35 गेंदों में 26 रन बना के अब तक नाबाद है आबिद नबी। उनके बल्ले से ये पहला छक्का था और 2 चौके लगाने में अब तक ये कामयाब जरूर हुए हैं। ये पारी का 15वां ओवर इस समय चल रहा है, और सपोर्ट्स हब जो है उन्होंने हमारे लिए, हम उनके भी बहुत ही आभारी हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं। कुयुम जहांगीरी जो एक और चैनल हमारे यहाँ इस समय लाइव प्रसारण देख रहे हैं, एक भाई सा हम किसी भी चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि जो सपोर्ट्स के लिहाज से अच्छा काम कर रहे हैं और वो उनका हम हमेशा से सम्मान करते हैं, जैसा आप हमारी चैनल पे इस समय देख रहे हैं। कुयुम जहांगीरी जो सपोर्ट्स हब के कॉरेस्पोंडेंट हैं, उन्होंने हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाया, आप ये देख सकते हैं ये प्यार जो हमारे लिए सभी आज दर्शा रहे हैं, हम उनके भी बहुत ज़्यादा आभारी हैं। आप अपने साइड स्क्रीन के बिल्कुल सामने देख सकते हैं, उनकी चैनल भी इस मैच को लाइव प्रसारण जरूर कर सकती है, कर रहे हैं। शहनवाज नजीर एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस बार भाई हथ के खिलाड़ी के लिए ज्यादा मालूम नहीं था गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, जुबैर डार के हाथों में रन बनाने का वहां संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये पारी का 15वां ओवर शहनवाज नजीर डाल रहे हैं, 105 रन 2 विकेट के, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, शॉर्ट कवर के ऊपर से गैप में खेला गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, इस 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 109 रन 2 विकेट के नुकसान पे शहनवाज नजीर का ये महंगा ओवर हुआ समाप्त। जी बिल्कुल, एक अच्छा शॉट
खेला वहां पर बल्लेबाज आसिफ पर रमजान ने एक अच्छा शॉट, अब तक का जो खूबसूरत शॉट है वो इसको माना जाएगा, क्योंकि कवर के ऊपर से एक इनसाइड आउट शॉट खेलना आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, और वो कर दिखाया यहां पर आसिफ रमजान ने। 15वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 109 रन दो विकेट के नुकसान पर। अब बीसीसी बारामूला की टीम जो है वो संकट में पड़ती है, उनको अब यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जितना हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा। अभी तक जो है केवल दो विकेट्स लेने में सफल हुए हैं इनके गेंदबाज, अगर हम बीसीसी बारामूला की बात करेंगे। और सिटी जिमखाना एक अच्छी स्थिति में इस समय 15वें ओवर की समाप्ति के बाद, स्कोर 109 रन दो विकेट के नुकसान पर। आसिफ रमजान और आबिद नबी जो है शेर वो अभी भी नाबाद है, 27 रन बनका के खेल रहे और 36 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने दो चौके और एक बड़ा छक्का जड़ दिया। और आज आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए, मैं मेहनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूँ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर लवली उमर आप तक आज लाइव पहुंचा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेहनवाज आप अपने स्क्रीन के सामने आए, कुछ बातचीत व्यूअर्स के सामने हो जाए, आप वहाँ जाए, मैं वहाँ फोकस आपके ऊपर करूँगा। सबसे मेहनवाज जो मेरे सहयोगी कमेंटेटर हैं वो बोलते हैं कि पहले आप खुद जाओ उसके बाद मैं जाऊँगा। हालांकि इस समय जो है ड्रंक की ट्रॉली इस समय मैदान के अंदर जाके पहुंच चुकी हैं, ऐसे में थोड़ा समय के लिए यहां खेल को रोका जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक अच्छी वहां वापसी की गई है सिटी जिमखाना की अगर आप बात करें। और ये देखें मेरे सहयोगी कमेंटेटर, उन्होंने कश्मीर सपोर्ट वॉच की जर्सी भी पहनी है, ऐसे में मेरे लिए ये दुविधा हमेशा ला के खड़ा करते हैं, क्योंकि जो मेरे आला अधिकारी हैं वो मुझे फिर काफ़ी डांट पड़ती हैं। और ऐसे में मेहनवाज जिस तरह से टॉस जीता था आज बीसीसी बारामूला के कप्तान ने, उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और मुझे लग रहा है कि उस समय जो था आसमान के ऊपर काफ़ी काले बादल भी थे, वर्षा होने की भी संभावना उस समय बहुत ज़्यादा थी, लेकिन टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और मुझे लग रहा है कि उस समय वो सही फैसला था। पहले ओवर में एक विकेट उन्होंने दिलाई, लेकिन उसके बाद बढ़िया वापसी की है इन दो भाइयों ने, हालांकि एक भाई आउट होकर वापस जा चुके हैं, लेकिन कुल मिला के बढ़िया वापसी। देखिए लवली, मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हर एक टीम चाहती है कि हम फाइनल में टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करें, क्योंकि कोई टीम ये नहीं चाहती कि हम चेस करें, क्योंकि प्रभाव कुछ अलग प्रकार का रहता है। और आपने कहा कि जुबैर डार ने थोड़ी सी आकाश पे काले बादल मंडला रहे थे, तो वर्षा होने की संभावनाएं थी, लेकिन इस समय जो है क्रिकेटिंग माहौल पूरी तरह से, तो इस समय हम यही कह सकते हैं कि बीसीसी बारामूला के लिए एक खराब नरना रहा है अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए अभी केवल 15 ओवर्स का खेल हुआ है, 109 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और अभी भी 15 ओवर बचे, अगर यहाँ से एक आधा विकेट लेने में सफल होती है बीसीसी बारामूला की टीम तो आप कम लक्ष्य पर इनको रोक सकते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, इस खेल में हमने हमेशा देखा होगा कि रंग बदलते नजर आते हैं, खास तौर से वो इस विकेट की तलाश में, अगर यहाँ आबिद नबी की विकेट वो लेने में कामयाब होंगे तो मुझे लग रहा है फिर वो थोड़ा सा दबाव में होंगे, क्योंकि आबिद नबी एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में एक शतकीय पारी खेली है, तो ऐसे में उनका जो उत्साह है वो सातवें आसमान पे है, उनका जो मनोबल है वो पूरी तरह से काफ़ी हाई होगा, और अब तक जिस तरह की उन्होंने पारी खेली है मुझे लग रहा है कि सूझबूझ वाली पारी, खराब स्ट्रोक्स खेलने की बिल्कुल भी वो मन नहीं बना रहे हैं, खराब गेंदों का वो हमेशा चयन करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच जो है खेल शुरू किया जा रहा है फिर से, हमने आपके साथ थोड़ी बातचीत ज़रूर की थी और एक बार फिर जो अब खेल शुरू किया जा रहा है, 15 ओवर की समाप्ति के बाद 109 रन दो विकेट के नुकसान पे मुंतजिर बशीर जो है वो अब कॉलेज एंड से गेंदबाजी करने के लिए फिर से आ रहे हैं, हालांकि पिछले ओवर में उन्होंने एक विकेट ज़रूर दिलाई थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और वो भी किसकी विकेट, बड़ी मछली जाल में आबिद नबी के भाई आतिफ नबी को उस बार उन्होंने फंसाया था, लेकिन देखना पड़ेगा कि आबिद नबी के सामने वो किस तरह की रणनीति अपनाएंगे। जी बिल्कुल, सामने एक चीते है, आबिद नबी को चीता माना जा रहा है पूरे कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे। बढ़िया गेंद, केल डिफ्लेक्ट किया इस गेंद को गली के क्षेत्र में, जब तक शहनवाज गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया, और आबिद नबी ने ये यहाँ पर दर्शाया कि ये पूरे ओवर्स खेलेंगे आबिद नबी, जिस प्रकार से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, 37 गेंदों पर 28 रन अभी तक बटोर लिए इस बल्लेबाज ने, और आबिद नबी जो है वो पूरे ओवर्स खेलना चाहेंगे।
पंद्रहवा 16वां ओवर इस समय चल रहा है। स्कोर 110 रन, दो विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट पिच गेंद थी, कट करने का प्रयास किया था बल्लेबाज आसिफ पर रमजान ने, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। गेंद चली गई जुबैर डार के हाथों में। बाएं हाथ के खिलाड़ी जो हैं इसमें कोई दोराई नहीं, इसमें काबिलियत जरूर है, लेकिन अब तक जिस तरह से उन्होंने खेला है टच में नहीं लग रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद को पूछा या डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए पहला आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक था। स्कोर में इजाफा होता हुआ 114 रन, दो विकेट के नुकसान पे। पारी का 16वां ओवर इस समय मुंतजिर बशीर डाल रहे हैं जी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर शॉट है आसिफ रमजान के बल्ले से, स्लॉग स्वीप के तौर पर खेले गए शॉट और चार रन बटोर लिए। मुंतजिर बशीर चले एक बार फिर से, आपकी बार कट कर दिया इस गेंद को, थ्री पॉइंट के क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी तैनात। दूसरे रन के लिए भागे, क्या दूसरा रन प्राप्त हो सकता है? जी बिल्कुल, दूसरे रन की हुई प्राप्ति, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और आसिफ रमजान जो है वो पूरी तरह से अनुमान के साथ इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक केवल दो चौके जड़ दिया आसिफ रमजान ने और दोनों ही चौके क्रिकेटिंग शॉट्स के तौर पर, ये काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं ये बल्लेबाज। बीसीसीआई बारामूला की टीम लगातार विकेट की तलाश में रहेगी, क्योंकि अगर यहां से विकेट्स नहीं चटकाएंगे तो फिर अच्छा लक्ष्य रहेगा। एक बार फिर से ड्राइव कर दिया इस गेंद को, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया वहां पर जहांगीर लोना तैनात थे। एक अच्छा शॉट जरूर खेला था लेकिन प्लेसमेंट उतना बढ़िया नहीं था। एक बिंदी गेंद आती हुई मुंतजिम बशीर की ओर से, और मुंतजिम बशीर इस समय अपने कोटी का 14वां ओवर डाल रहे हैं। 31 रन देके एक विकेट अर्जित किया अभी तक। तीन खिलाड़ी को ऑन साइड पर रखा है, 30 गज दायरे से बाहर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, और ऑफ साइड पर जो है लॉन्ग ऑफ और डीप पॉइंट को रखा गया। और एक बार फिर से क्षेत्र रक्षण में तब्दीली, बैकवर्ड पॉइंट पर इश्तियाक नाग को तैनात किया गया है। तो एक शॉर्ट पिच गेंद देखने को मिलेगी, बढ़िया गेंद, एक बार फिर से स्लॉग स्वीप मारना चाह रहे थे बल्लेबाज आसिफ रमजान, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 16वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 116 रन, दो विकेट के नुकसान पर। और जब उन्होंने इस गेंद पे भी अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, आबिद नबी उनके पास जरूर गए हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बातचीत उनके साथ कर रहे हैं, और वो उनको हाथ से दिखा रहे हैं कि वहाँ खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अगर आप इस गेंद को उठा पाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे। और ये तो फ़ायदा होता है ना कि जब आपकी टीम में लंबा अनुभवी खिलाड़ी खेलते हैं तो वह सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। नासिर बाली को अब एक बार फिर गेंदबाजी के लिए लाया गया है, अब तक केवल एक ओवर उन्होंने ज़रूर किया है, हालांकि ठीक ठाक ओवर उन्होंने ज़रूर किया था, उस बार उनको वहाँ हटाया गया था, दूसरे गेंदबाजी को वहाँ गेंदबाजी दी गई थी, लेकिन पुरानी गेंद के साथ वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं ये अब तक देखा जाता है। ये केवल आपको लवली उमर नहीं कहते, ये उनके स्टैट्स आंकड़े दर्शाते हैं। अगर आप नासिर बाली की बात करें, इश्नाग जो खुद इस समय शॉट कवर पे मौजूद है, जहांगीर लोन मिड ऑफ के अंदर मौजूद है, इस बार बढ़िया गेंद ऑन साइड की, और इस बार दकेला आबिद नबी ने दौड़कर एक रन पूरा किया है। क्या मजा आ रहा है इस क्रिकेट को देखने का, बिल्कुल हड़बड़ाते बिल्कुल भी नहीं है, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स में अब तक ये विश्वास दिखाते हैं और कामयाब भी हुए हैं, ये सबसे बढ़िया बात है जी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बल्लेबाजी करी है यहाँ पर आबिद नबी ने, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। काफ़ी लंबा अनुभव इस खिलाड़ी के पीछे, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस और अपना जो एक्सपीरियंस वो इस समय झोंकते नजर आ रहे हैं इस मैच में। नासिर पहली चले अराउंड द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए पुल कर दिया इस गेंद को, स्कैले के क्षेत्र में किसी खिलाड़ी के पास हिलने का भी मौका नहीं, और गेंद सीमा रेखा से पार, चार रन के लिए चाबुक सा शॉट जड़ दिया वहां पर आसिफ रमजान के बल्ले से निकलता हुआ, ये तीसरा चौका। लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी और शॉर्ट गेंद, उसको अच्छा पुल किया गया वहां लेफ्ट के द्वारा, गेंद बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। स्कोर बोर्ड उछलता हुआ 121 रन, दो विकेटों के नुकसान पे ये पारी का 17वां ओवर। नासिर बहली डाल रहे हैं, अब तो पूरी तरह से वो खुल के नजर आ रहे हैं जो बाहीं हाथ के खिलाड़ी हैं। नासिर बहली फिर से ओवर द विकेट, इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी उछाल के साथ, विकेट कीपर ने बढ़िया काम जरूर किया है और अपने आप को इस समय उछलते नजर आ रहे थे जुबैर डार तो बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं कप्तान के तौर पे। अब तक कहना पड़ेगा कि शायद उन्होंने 10-12 रन जरूर बचाए होंगे विकेट कीपरिंग के पीछे जी। बिल्कुल, एक अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा दिखाया आज
जुबैर डार ने, और यही करना होगा क्योंकि जब कैप्टन अच्छा करता है अपने टीम के लिए और तब खिलाड़ी भी अच्छा करना चाहेंगे। लगातार व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे। चले एक बार फिर से लेग स्टंप से काफी उन्दी और अंपायर का इशारा वाइड गेंद। लगातार हर एक गेंद पर कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं नासिर बेली और अभी तक उसमें कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। और मुदस्सिर डार इस समय बोल रहे हैं कि आप अकाउंट नंबर डालो अपना, हम आपके बहुत आभारी हैं। मुदस्सिर भाई हमें अच्छे खासे देते हैं जो चैनल वाले कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के हैं ऐसे में, लेकिन जो आप प्यार दर्शा रहे हैं उसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी ज़रूर हैं। नासिर बेली एक बार फिर से बढ़िया गेंद अंदर की ओर आई थी, सम्मान के साथ गेंद को खेला, हालांकि रन बनाने का यहां बिल्कुल भी संभावना नहीं है। एक अच्छी वापसी खराब गेंद के बाद हमेशा वापसी करने का वहां मौका आपको मिलता है एक गेंदबाज के तौर पे। मौसम में लगातार बदलाव नजर आ रहा है, पिछले कुछ घंटों से कड़ी धूप थी तो अब एक बार फिर से मौसम जो है लगातार बदलता नजर आ रहा है। नासिर बेली एक बार फिर कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी ओवर द विकेट कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला गया, फाइनल लेग 30 गज दायरे के अंदर, गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए एक और बेहतरीन शॉट लगाया गया वहां। जी बिल्कुल, आसिफ रमजान ने आज काफी ज्यादा प्रभावित किया अपने इस क्रिकेटिंग शॉट से। आप इस प्रकार की खराब गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। पैरों पे गेंद थी, क्लाइव के सहारे गेंद को केवल दिशा दिखाई वहां पर आसिफ रमजान ने। जानते थे कि फाइनल लग का खिलाड़ी तेज गज दायरे से अंदर और गेंद चली गई सीमा रेखा से पार। चार रन के लिए लोन मुदु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जान कमेंट्री विद ब्रो बोथ ऑफ यू मुदु फ्रॉम थेलना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, अब लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। और एक बार फिर से बढ़िया गेंद, चारू खाने चित हुए बल्लेबाज आसिफ रमजान, इसको हमारे सिद्धू पाजी कहते हैं, बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी। इसी के साथ और एक सफल ओवर हुआ समाप्त, 17वें ओवर की समाप्ति के बाद सिकोर 126 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और अंतिम गेंद बहुत अच्छी थी, बाल बाल बचे वहां, गेंद बिल्कुल विकेटों के बिल्कुल सामने से गुजरी थी, काफी करीबी मामला था ये। इसी के साथ 17 ओवर की समाप्ति के बाद 126 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अगर आप करंट रन रेट की बात करें तो 7.41 से इस समय वो प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं। अगर इसी तरह से चलते रहेंगे तो 222 का लक्ष्य वहां जरूर छू सकता है सिटी जिम खाना की टीम। मुंतजिर बशीर अब एक बार फिर से आ रहे हैं कॉलेज एंड से, वो गेंदबाजी करेंगे आबिद नबी के लिए। मुंतजिर जो बशीर है उन्होंने अब तक एक विकेट लेने में वो कामयाब जरूर हुए हैं। आबिद नबी ने एक छोड़ बिल्कुल संभाल के रखा है, एक कप्तान है ये इस टीम का और ऐसे में ये कप्तानी पारी जरूर खेल रहे हैं। मुंतजिर बशीर अब आ रहे हैं ओवर द विकेट कॉलेज एंड से, फील्ड में थोड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं। जहांगीर लोन को अब ऑफ साइड पर लाया गया है, जो गली क्षेत्र के अंदर उसको रखा गया है। जहांगीर लोन की अगर आप बात करें, जहांगीर बख्शी शॉर्ट कवर पे समय तैनात है, मुंतजिर बशीर ओवर द विकेट आ रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, आबिद नबी अंतिम क्षणों में गेंद को देखते रहे और गेंद को ऑन साइड की ओर धकेलना चाह रहे थे, रन बनाने का कोई भी संभावना इस बीच नहीं हुआ। जुबैदार लगातार फील्डर को हिला रहे हैं, इधर उधर कहने को वो इस समय लगातार बोल रहे हैं, यानी कि आप अपनी निर्धारित सही जगह पे फील्डर को वो रखने का प्रयास कर रहे हैं। मुंतजिर बशीर एक बार फिर से, इस बार फिर से अच्छी गेंद, धीमी गेंद, लेकिन आबिद नबी जो है इसलिए हम उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ करते हैं कि अच्छी गेंद को वो बहुत अच्छा सम्मान देते हैं, जो खराब गेंद है उसका ये सही चुनाव करते हैं, ये उसकी ताकत है और इसलिए ये इतना कामयाब सिद्ध हुए हैं इस क्रिकेट के अंदर। मुंतजिर बशीर एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, वहां खिलाड़ी मौजूद है और एक बढ़िया बढ़िया एफर्ट वहां किया गया था, एक अच्छा कैच लेने की वहां संभावना जरूर थी। एक समय ऐसा लग रहा था शायद उन्होंने ये कैच लिया, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने इस कैच को एक बार फिर छोड़ा और कहीं ना कहीं ये दिक्कतें नजर उनके लिए अब आएगी अगर आप इसी तरह की फील्डिंग कर पाएंगे तो। जी बिल्कुल, एक खराब सोच यहाँ पर बीसीसी बारामूला की ओर से, और आप इस प्रकार की क्षेत्र रक्षण बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और एक दिग्गज खिलाड़ी आबिद नबी का जब आप कैच छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप काफी ज्यादा निराश होते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है 12 ओवर्स का खेल बचा है। अब आबिद नबी जितने रन यहां से बनाएंगे वो बोनस के तौर पर रहेंगे,
क्योंकि आप बिल्कुल भी मौका नहीं दे सकते हैं बल्लेबाज को। आप खेलें मुंतजम बशीर चले आउटसाइड ऑफ सम गेंद, कट करते हैं इस गेंद को और वहां पर इश्तियाक नाग तैनात। केवल एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज आसिफ रमजान को। स्कोर जो है वो इसे एक रन के साथ बढ़ता हुआ 127 रन दो विकेट के नुकसान पर 17.3 ओवर की समाप्ति के बाद। लोन इश्फाक हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। दानिश इलाही लिख रहे हैं मैच कहां पे, सुभान स्टेडियम सोपोर से हम इस समय आपसे लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए एक बार फिर से और नियंत्रण में नहीं रख पाए इस शॉट को आबिद नबी, हालांकि खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की तरफ लेकिन गेंद जो है वो चली गई मिड आपके क्षेत्र में और भाग्यशाली रहे कि गेंद जो है वो गिरी नो मैच लैंड पर। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। मैडी मुदसर लिख रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आप सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और हम काफी ज्यादा प्रेरित होते हैं जब आप इस प्रकार के विचार हमारे साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से वो हमें समर्थन कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स वो बहुत ही सराहनीय। इस बार बढ़िया स्ट्रोक कट किया, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, इश्नाग ने अच्छी फील्डिंग वहां जरूर की है तब जाकर दो रन बड़ी आसानी से उन्होंने अर्जित किए हैं। इन दो रनों के साथ 131 रन दो विकेट के नुकसान पे ये पारी का 18वां ओवर इस समय चल रहा है। मुंतजिम बशीर इस समय गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं। जो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं आसिफ रमजान, उन्होंने भी कुछ दर्शनीय स्ट्रोक्स अब तक खेले हैं। 20 गेंदों में 21 रन वो बनाने में कामयाब हुए, 4 चौके और ये फ्री हिट का इशारा भी अंपायर की ओर से आता हुआ। आसिफ रमजान अब उसका सामना करेंगे जो एक बाएं हाथ के खिलाड़ी है, स्ट्राइक रोटेट हुए है, ऐसे में वो फील्ड भी वहाँ जरूर जमा सकते हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और ठीक स्टेडियम से बाहर, अब तक का सबसे बड़ा छक्का। जी बिल्कुल, और गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में, अनअकैडमिक क्रैकिंग सेक्स आता हुआ आसिफ रमजान के बल्ले से। और आसिफ रमजान जो है आज पूरी तरह से छाए हुए से क्रीज के ऊपर और इस बड़े मैच पर अपने टीम के लिए भागीदारी निभाते हुए। स्कोर जो है वो इस समय पहुंच चुका है 138 रन पर, केवल दो विकेट गवा दिए है सिटी जिमखाना ने 18वें ओवर की समाप्ति के बाद। कहीं ना कहीं बीसीसी बारामूला जो है वो अब बैकफुट पे चले गई है और यहाँ पर विकेट की तलाश रहेगी और वो मिल नहीं रही है यहाँ पे। और बिल्कुल सही कहा आपने, अगर यहाँ से विकेट चटकाने में असफल हुए ना बीसीसी बारामूला की टीम तो इस तरह की दिक्कतें फिर हमेशा नजर आती है। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि ये खेल ही साझेदारियों का है, एक बार आप भागीदारी बनाते हैं ना तो फिर आप इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने में आराम से खेल सकते हैं, अब तक ये देखा जाता है। तो गेंदबाजी में अब बदलाव किया जा रहा है। जहांगीर लोन वादिया कश्मीर की शान, कोई नूर जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, अब जहांगीर लोन को लाया गया है, यानी कि वो अब विकेट की तलाश में है और हमारे कमेंट्री छोड़ एंड से उसको गेंदबाजी की कमान भी अब देखने को मिलती है। इसे पता चलता है कि उनके कप्तान जो जुबेडार है वो कितने इस समय उत्तेजना में है, विकेट लेने का वो प्रयास जरूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे एहसास ये हुआ कि लगा यहाँ पर अब विकेट की दरकार रहेगी बीसीसी बारामूला के लिए और तभी तो लगातार गेंदबाजी में जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और गेंदबाजी जो है अब जहांगीर लोन के हाथों में थमा दी गई और उसका सामना करेंगे शेर आबिद नबी। आबिद नबी अभी भी 31 रन बना के खेल रहे हैं। जहांगीर लोन चले, थोड़ी सी शॉट अप लेंगे थी, फ्रंट फुट पे आके हल्के हाथ से गेंद को केवल कलाई के सहारे मोड़ दिया है डीप सुकेले के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया और आबिद नबी जो है वो पूरी तरह से अभी भी डटे हुए और लगातार बड़े शॉट खेलने का प्रयास नहीं कर रहे और वो जानते हैं कि बिल्कुल 30 ओवर्स खेलने हैं और वो जानते हैं कि जब उनके सहयोगी बल्लेबाजी जो उनके नोस्ट्रिकिंग एंड पे है वो अच्छा खेलते हैं तो उनको बड़े स्ट्रोक्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। यही तो काबिलियत होती है ना बड़े खिलाड़ियों की। वो जानते हैं कि उनके साथ आसिफ रमजान इस समय बढ़िया ले में नजर आ रहे हैं। इस बार बच्ची गेंद कट किया था वहाँ लेकिन बढ़िया फील्डिंग, बैकवर्ड पॉइंट पे मुंतजिम बशीर ने दही की ओर छलांग लगाकर इस गेंद को रोका। निश्चित तौर पे उन्होंने 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए लेकिन इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 140 रन दो विकेट के नुकसान पे। आसिफ रमजान इस समय 29 रन बना के खेल रहे हैं, अब तक 22 गेंदों का सामना किया, 4 चौके 1 छक्का,
131 के स्ट्राइक रेट से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं जहांगीर लोन। अगली बार ओवर द विकेट, इस बार अच्छी गेंद, झंड में गेंद, सम्मान दिया, बैकफुट पे जाकर गेंद को शॉर्ट कवर की ओर खेला। उमर लोन बारामूला का एक्सप्रेस उनको माना जाता है, वो वहां तैनात है। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। इस समय हम सुभान स्टेडियम सोपोर से आप तक लाइव पहुंचा रहे। आज एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है, सोपोर कप का फाइनल खेला जा रहा है। सिटी जिम खाना बीसीसी बनाम बीसीसी बारामूला। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, आपकी बार बैक ऑफ द हैंड गेंद फेंकी थी वहां पर जागीन लोन ने, गति में मिश्रण दिखाया था और पहले से ही भाप लिया था आबिद नबी ने। नजाकत के साथ गेंद को धकेल दिया गली के क्षेत्र में एक रन के लिए। और अभी तक जो है अच्छी फील्डिंग करी है बीसीसी बारामूला ने, लेकिन दो महत्वपूर्ण कैच छोड़े। एक तो आतिफ नबी को एक मौका दिया था और आपकी बार जो है हाल ही में आबिद नबी को एक मौका दिया है। और तभी तो कहते हैं ना कि कैचेस पकड़ो और मैचेस जीतो। अगर आप कैचेस लपकते नहीं है ना तो फिर हमेशा इस तरह की दिक्कतें नजर आ रही है। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद को धकेला था डीप फाइल लेग की ओर, इश्तियाक नाग डीप स्केयर लेग से वहां दौड़कर आ रहे थे। इस बीच रनों में इजाफा जरूर होता हुआ, एक रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस एक रन के साथ 142 रन, दो विकेट के नुकसान पे ये पारी का 19वां ओवर। जहांगीर लोन नॉर्थ कश्मीर का कोहिनूर इस समय गेंदबाजी और दो विकेट, कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद है और इस बार कोई गलती नहीं की जहांगीर लोन ने, आबिद नबी को आउट किया है जिसके लिए इसको जाना जाता है। आबिद नबी निराश होकर अब वापस जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसा है यहाँ पर जहांगीर लोन, और इसकी दरकार थी। लगातार विकेट की तलाश में बीती थी बीसीसी बारामूला की टीम और वो यहाँ पे लाके दिया अपनी टीम को। बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते हुए यहाँ पर गेंदबाज जहांगीर लोन, एक अच्छे बल्लेबाज आबिद नबी पवेलियन की ओर जाते हुए निराशे कदमों के साथ, और उन्होंने केवल 20 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को, 34 गेंदों का सामना किया। और ये एक बड़ी मछली जाल में वहां फंसती नजर आ रही है। आबिद नबी ने एक अच्छी पारी खेली है, हालांकि ढेर सारे रन तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बनाए हैं, 46 गेंदों में 33 रन उन्होंने बनाए हैं। लेकिन महनवाज सबसे बढ़िया चीज ये नजर आ रही थी कि ये दूसरे बल्लेबाज को वहां खिला रहे थे, वो जानते हैं कि उनको जल्दबाजी करने की वहां जरूरत नहीं थी। इस बार बैकफुट पे वो तैयार थे और पुल किया था वहां डीप स्केयर लेग के बिल्कुल सीमा रेखी के बिल्कुल नजदीक मौजूद था, उन्होंने कोई गलती नहीं की। और बीसीसी बारामूला के चेहरे पे जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हंसी से नजर आ रही है, और ये अच्छे संकेत नहीं है। बादल जो है वो आसमान के ऊपर मंडराते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है अब वापसी करते हुए यहाँ पर बीसीसी बारामूला की टीम, क्योंकि एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। और आज के जो हम आप तक लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं कश्मीर सपोर्ट स्वाथ के माध्यम से, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जहां गाड़ियों के हर एक का सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक, और उसके साथ साथ खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से वो सबसे ऊपरी क्रम पे है। और न केवल उनका ब्रांड कश्मीर में है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी उस ब्रांड का आप उपयोग करते हैं। और ऐसे में अगर आप सपोर्ट्स को पसंद करते हैं तो आप किस ब्रांड का उपयोग जरूर करें। आबिद नबी जो जहांगीर लोन का शिकार बने, और जुबेदार ने एक अच्छा बदलाव किया था गेंदबाजी में, जैसा हम आपस में बातचीत कर रहे थे विकेट की तलाश में है वो। आबिद नबी के आउट होने के साथ अब थोड़ी सी दुविधा नजर आएगी जरूर, क्योंकि वो एक अनुभवी खिलाड़ी था। और ऐसे में अगर आप इस तरह का आखिर हसन हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, और हमारे गांव के दिग्गज खिलाड़ी है, अगर हम हमारी कंडी की बात करेंगे, आखिर हसन लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमारी तरफ से और हमारे मंच की तरफ से, कश्मीर सपोर्ट्स वाच की तरफ से। और आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला है बीसीसी बारामूला बनाम सिटी जिमखाना। गेंदबाज में परिवर्तन, एक बार फिर से ओवर द विकेट आए हैं, बढ़िया गेंद, चकवा दिया वहां पर जुबैदार को,
लपकना चाहिए था क्या, एक मौका गवा दिया वहाँ पर जुबैर दारे, थोड़े से निराश दिख रहे हैं वहाँ पर गेंदबाज। और गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है, आखिर पीर को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो बिल्कुल कॉलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। जुबैर डार उनके कप्तान अब विकेट के ठीक सामने पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये मालूम है कि अगर यहाँ बल्लेबाजी कदमों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं उसको पीछे से लपकूंगा जरूर अगली बार। आकिब पीर फिर से, इस बार शॉट उतना बढ़िया तो नहीं था, ऊपरी किनारा वहां गेंद लिया था, भाग्यशाली रहे कि वहां खिलाड़ी तैनात नहीं था। और आसिफ रमजान का अभी तक अगर हम स्ट्रॉन्ग जोन की बात करेंगे तो ऑन साइड पर ये ढेर सारे रन बनाते हैं आसिफ रमजान, और उसमें वो सफल भी हुए। अगर आप आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी करेंगे आसिफ रमजान के विरुद्ध तो फिर आप अच्छे सफल हो सकते हैं आसिफ रमजान के विरुद्ध, लेकिन अभी तक उस प्रकार की गेंदबाजी देखने को नहीं मिली। अभी नबी के आउट होने के बाद अब नदीम डार आए हैं मैदान के अंदर, तो कोशिश उनकी यही होगी कि साझेदारी बनाने की, क्योंकि अगर आपको किसी भी फॉर्मेट में आगे बढ़ना है ना तो एक भागीदारी की हमेशा ज़रूरत रहती है। कहते हैं ना कि महान खिलाड़ी वही होता है क्रिकेट में जो परिस्थितियों को समझे और परिस्थितियों को बाप कर खेले। परिस्थितियां यहाँ ये है कि बड़ा स्ट्रोक खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना समय ज़रूर बिता सकते हैं मैदान के अंदर। ये पारी का 20वां ओवर इस समय चल रहा है, 143 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सिटी जिमखाना की टीम। आकिब पीर ओवर द विकेट, इस बार बढ़िया स्ट्रोक फाइल की ओर से, वहां आकिब, वहां बुरा नबी जो सबसे युवा खिलाड़ी है बीसीसी बारामूला में, उन्होंने पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का बिल्कुल भी संभावना नहीं। पीर आकिब इस समय अपने कोटि का पहला ओवर डाल रहे हैं और ये छठवां विकल्प जो है इस्तेमाल किया है बीसीसी बारामूला ने, तो लगातार विकेट की तलाश है। ओवर द विकेट करेंगे गेंदबाजी नदीम डार के लिए। नदीम डार ने अभी तक खाता नहीं खोला, और बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, चारू खाने चित हुए बल्लेबाज नदीम डार को चलता किया यहाँ पर, टाटा बाय बाय। और ये एक बढ़िया गेंद थी महनवाज स्लोअर यॉर्कर, और उनको बाप ही नहीं पाए, गेंद जाकर सीधे विकेट पे, और जुबैर डार देखे आउट होने के बाद क्या प्रतिक्रिया दिखा रहे थे, निश्चित तौर पे वो खुश हो गए। नदीम डार ने निराश जरूर किया है, शायद वो शून्य रन बनाकर वापस जा चुके हैं, आके पीर का वो शिकार बने, और जब वो बदलाव कर रहे हैं अब गेंदबाजी में तो वो उनके लिए अच्छा कार्य इस समय हो रहा है, और एक अच्छे संकेत है बीसीसी बारामूला के। महरवास तभी तो कहते हैं ना कि ये खेल अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था आउट होने की वहाँ संभावना नहीं थी, जो ही आबिद नबी आउट हुए हैं और आप देख सकते हैं उसके बाद क्या दुर्दशा होती है टीम के लिए। अच्छी बिल्कुल, क्रिकेट को बदलने में टाइम नहीं लगता, एक आधा ओवर में अगर विकेट जाता है तो एक तरफा मैच होता है, और वही कर दिखाया यहाँ पर बीसीसी बारामूला ने। हालांकि अभी तक अच्छी लय में दिख रहे थे सिटी जिमखाना की टीम, लेकिन जो ही दो विकेट चटकाए तो निश्चित रूप से अब वापसी करिए यहाँ पर बीसीसी बारामूला, और ये एक मौका है उनके लिए कि वो यहाँ से वापसी कर सकते हैं। अगर 200 के आसपास रोकने में सफल हुए बीसीसी बारामूला की टीम तो फिर चेज करने में आसान रहेगा। और बिल्कुल सही कहा आपने कि इस समय ये एक वापसी का ऐलान हुआ है। अगर आप बीसीसी बारामूला की बात करें उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अब अच्छी गेंदबाजी जरूर की है, तो अब दबाव में नजर आ रहे हैं, और ये देखिए अब फील्ड में भी थोड़ी फुर्ती नजर आ रही है उनके लिए, ये एक अच्छे संकेत है उनके लिए। अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं, अगली बार फिर से ओवर द विकेट आ रहे हैं, इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, रन आउट होने की संभावना, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हुआ था। बुरा नबी वहां शॉट फाइनल के अंदर मौजूद थे, लेकिन बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर एक रन पूरा किया, इस एक रन के साथ 144 रन 4 विकेटों के नुकसान पे ये पारी का 20वां ओवर इस समय आकिब पीर कर रहे हैं, जिन्होंने पहले ओवर में एक दचका उनको जरूर दिया, और ऊपर से मौसम को भी बदलने में यहाँ पर टाइम नहीं लगता है। एक बार फिर से आकाश पर काले बादल मंडला रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिकेट के लिए एक खराब संदेश है। बिलाल किंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरे दोस्त हैं करीबी,
आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला चल रहा है सिटी जिम खाना बनाम बीसीसी बारामूला। गेंदबाज चले फिर आखिर एक बार फिर से ओवर द विकेट, बढ़िया शॉट खेलते हैं इस गेंद को बैकपैट पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात उमर लोन, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और अभी भी सिटी जिम खाना के लिए एक अच्छा संदेश है कि उनके एक दिग्गज बल्लेबाज आसिफ रमजान अभी भी नाबाद है, 32 रन बना के खेल रहे और 26 गेंदों का सामना किया। और अब यहां से एक साझेदारी की उनको सख्त आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी 10 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 60 गेंदें अभी और आना बाकी हैं। 20 ओवर की समाप्ति के बाद 145 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर जहांगीर भट्ट जो अभी अभी आए हैं, आसिफ रमजान ने 27 गेंदों में 33 रन बनाकर वो नाबाद हैं। 4 चौके, 1 छक्का उनके पारी में मौजूद है। जहांगीर लोन अब तक 3 ओवर्स में 19 रन देकर 1 विकेट उन्होंने जरूर लिए हैं। कोई मैडम नहीं है, ये अपने कोटे का 4वां ओवर, पारी का 21वां ओवर, कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी अब करते नजर आ रहे हैं। पिछले ओवर में उन्होंने एक बढ़िया विकेट वहां जरूर ली है। आबिद नबी ओवर द विकेट आ रहे हैं उनके लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद घूमती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, जुबैर डार वहां मौजूद है। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ जहांगीर लोन, एक बड़ा नाम वादिया कश्मीर का, यह आप निश्चित तौर पे जानते होंगे। एक बार फिर से वो गेंदबाजी करने के लिए तैयारी है और तो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, अच्छा निकाला डीप फाइल लेग की ओर से, इश्तियाक नाक दौड़ रहा है लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए दिशाहीन गेंदबाजी, सही नसीहत वहां देते हुए आसिफ रमजान। देखिए, मैंने इससे पहले ही ये जिक्र किया था कि आप आसिफ रमजान के विरुद्ध शरीर में गेंदबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑन साइड का जो पक्ष है ये काफी ज्यादा मजबूत है आसिफ रमजान, और अभी तक जितने भी शॉट्स खेले आसिफ रमजान ने वो ऑन साइड की तरफ खेले, तो आप इसको ऑन साइड लेग स्टंप पर गेंदबाजी नहीं कर सकते, और वही यहां पर कर रहे हैं जहांगीर लोन। चले एक बार फिर से आउटसाइड ऑफ स्टंप, अब की बार बैक फुट पे जाके कट कर दिया इस गेंद को, डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है जोहर जोलो, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया। और जहांगीर लोन ने इस समय ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्ड में भी खासा परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑन साइड में जो जहांगीर बख्शी खिलाड़ी मौजूद थे उसको अब ऑफ साइड पे लाया जा रहा है, और लॉन्ग ऑफ का जो खिलाड़ी है नासिर बाली उसको भी अब अंदर लाया गया है कैचिंग पोजीशन पे। थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है, डीप पॉइंट पे भी इश्नाग वहां उपलब्ध है कैचिंग पोजीशन पे। ऐसी फील्डिंग यहां जहांगीर लोन ने अपनी गेंदबाजी के सामने रखी है, कमेंट्री छोड़ एंड से वो गेंदबाजी ओवर द विकेट कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, झट में गेंद समा दिया, गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट की ओर, वहां शहनवाज नजीर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब जाकर एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ 151 रन, 4 विकेट के नुकसान पे ये पारी का 21वां ओवर इस समय जहांगीर लोन डाल रहे हैं, अपने कोटे का 4वां ओवर, 1 विकेट लेने में वो अब तक कामयाब जरूर हुए हैं। दो खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं, आसिफ रमजान और जहांगीर भट्ट जो अभी अभी आए हैं मैदान के अंदर। इस बार आसिफ रमजान के लिए बैक फुट पे जाकर बढ़िया काउंट ड्राइव किया था, वहां शॉर्ट कवर के अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 151 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का 21वां ओवर। जहांगीर लोन कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर से ओवर द विकेट आ रहे। इस बार गति परिवर्तन किया था, गेंद के ऊपर उंगलियां घुमाई थी और बैकवर्ड पॉइंट पे जहांगीर बख्शी वहां मौजूद थे, उन्होंने गेंद को उठाया, तब जाकर स्कोर बोर्ड में एक रन का इजाफा होता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 21 ओवर की समाप्ति के बाद 152 रन, 4 विकेट के नुकसान पर तौसीफ रमजान और जहांगीर लोन इस समय, जहांगीर भट्ट इस समय मैदान के अंदर मौजूद है। तौसीफ रमजान ने 30 गेंदों में 38 रन बनाए हैं, 6 चौके और 1 छक्का उसके पारी में अब तक मौजूद है। अब केवल 9 ओवर का खेल यहां से बचा है, यानी कि 54 गेंदें और आनी बाकी है, क्योंकि ये फॉर्मेट
तीस तीस ओवर का खेला जा रहा है, ऐसे में यहाँ अच्छे खासे रन बना सकते हैं। जहांगीर लोन और इशनाग बीसीसी बारामूला का आज हिस्सा है। आकिब पीर फिर से ओवर द विकेट, इस बार बढ़िया स्ट्रोक स्टाइलिश अंदाज में, अगर डायरेक्ट हिट वहां लगती इश्तियाक नाग शॉर्ट कवर के अंदर इस समय मौजूद थे और उन्होंने गेंद को सफाई के साथ उठाया था, थ्रो किया था, लेकिन विकेटों पे वहां गेंद जरूर नहीं लगी है। और इसी बीच एक रन का इजाफा होता हुआ इस एक रन के साथ 153 रन चार विकेटों के नुकसान पे ये पारी का 22वां ओवर इस समय चल रहा है। कॉलेज एंड से गेंदबाजी हो रही है। पीर आकिब के हाथों में एक बार फिर से गेंद थमा दी गई और जुबैर डार जो है वो विकेट के काफी नजदीक है और उन्होंने अब यहां से रणनीति जो है वो बदली है। फिर आकिब चले और एक विकेट, और एक विकेट बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया। जहांगीर बट एक बार फिर से आउट होते हुए केवल एक रन का योगदान दिया अपनी टीम को और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इसे गेंदबाज की। पीर आकिब उन्होंने ये पारी का ये दूसरा ओवर डाल रहे और तीन रन देके दो सफलताएं अर्जित की है लगातार दो स्लोर यॉर्कर और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम यहाँ पर वापसी दिलाती हुई अपनी टीम को बीसीसी बारामूला। और मेहनवाज आपने सबसे बढ़िया बात यहाँ पे यह की है कि आकिब पीर जो है उनके हाथ अब तक दो विकेट लगे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात ये गेंदों में परिवर्तन ला रहे हैं और ऐसे में बल्लेबाज उनकी गेंदबाजों को पढ़ना यहाँ नहीं रहे हैं। कुल मिला के अब तक दो विकेट और वो भी स्लोअर गेंद पे उन्होंने अब तक दो विकेट लिए हैं। तो ऐसे में कहते हैं ना कि अगर आपको T20 फॉर्मेट में कामयाब, क्षमा चाहूँगा ये T20 तो नहीं है, ये 30-30 ओवर का खेल है, लेकिन निरंतर से गेंदबाजी करनी बहुत ज़रूरी। आप एक पेस पे ही गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न डे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो एकदम से आपको बांपते हैं, उसके बाद वो उसके अनुसार खूब खेल बैठते हैं। लेकिन इस बार आकिब पीर जो हैं उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है और बीसीसी बारामूला को इस मैच में उन्होंने लाके खड़ा किया है, जो उनके लिए एक अच्छे संकेत, शुभ संकेत हैं। जी बिल्कुल, जब आप डेथ में गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास विकल्प होने चाहिए, नहीं तो आप बाउंसर कर सकते हैं, तीखी बाउंसर, स्लोर वन, यार्कर, इक्का दुक्का, कुछ इस प्रकार की गेंदबाजी करनी होती है और तभी आप सक्षम रहते हैं, क्योंकि डेथ में जो है आप तेज तरार गेंदें नहीं कर सकते क्योंकि जो बल्लेबाज है वो तेज गेंदों पे काफी ज्यादा पसंद करते हैं खेलना। राकिब का अनुभव इस समय सातवें आसमान पर, एक बार फिर से फिरकी गेंद थी, लगातार अब स्लोर गेंदें फेंक रहे हैं पी राकिब और वो जानते हैं कि अभी तक दो सफलताएं प्राप्त की है स्लोर वन पर। सिकोरा जो है वो इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ 154 रन पांच विकेट के नुकसान पर और अभी तक पी राकिब ने दो सफलताएं अर्जित की है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। जहांगीर लोन ने चार ओवर डाले 26 रन देकर एक विकेट को प्राप्त किया और एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया आबिद नबी को। हालांकि आबिद नबी को एक मौका जरूर बना था, जीवनदान मिला था, लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठा पाए। आइए चलते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत अपने व्यूअर से भी करते हैं। दानिश इलाही BGN सन्स से इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उसके साथ साथ फारूक जिलानी के साथ अदनान दानिश, पीर मुजम्मिल, मतलब कुछ बाइक जहां कुछ बातचीत वो इस समय करा रहे हैं। रईस दार लिख रहे हैं वॉचिंग फ्रॉम केज हेल्थ केयर, बिजी शेड्यूल बट स्टिल वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच आपके लिए लगातार लाइव प्रसारण ला रहे हैं, ऐसे में आप वहीं पे जाकर इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इश्फाक वानी हमारे साथ जुड़ते नजर आए, बट बासित, हाफिज इरफान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मीरा दानिश हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारी तरफ से। पीर आकिब चले एक बार फिर से, जड में गेंद थी, खोद के निकल आपकी बाहर बल्लेबाज आसिफ रमजान और आसिफ रमजान अभी भी डटे हुए क्रीज के ऊपर और ये एक अच्छे संकेत है सिटी जिम खाना के लिए। सिकोर जो है वो इस समय 155 रन पांच विकेट के नुकसान पर और नए खिलाड़ी जो हैं वो अब आमिर सोफी आए हैं, जिसको आप आमिर मोंगा के भी नाम से जाने जाते हैं, वादिया कश्मीर के ये एक लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। कश्मीर जिमखाना के साथ ये अमूमन खेलते नजर आते हैं।
आमिर सोफी, जिसको आप आमिर मोंगा के नाम से भी उसको जाना जाता है, इस समय वो सामना कर रहे हैं। इस बार स्लोवर वन गेंद, इस बार अच्छी तरह से पिक किया, गेंद को खेला डीप पॉइंट की रीजन में, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है। इस बीच एक रन वहाँ जरूर जुड़ता नजर आ रहा है। काफी दूर से व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कपवारा से बड़ा, साउथ से अनंतनाग, बांडीपुरा से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स को। और व्यूवर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं, और जब आप इस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे सामने रखते हैं, इस प्रकार के विचार हमारे साथ शेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंचता है। आसिफ रमजान को अब केवल 9 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को। आकिब पीर, इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला गया वहाँ डीप स्क्वायर लेग के बिल्कुल क्षेत्र के अंदर, खिलाड़ी मौजूद हैं। इस बीच एक रन का इजाफा निश्चित तौर पे वहाँ मिलता हुआ, मेहनवाज वो यहाँ यही शायद चाह रहे हैं कि अगले एक दो ओवर के साथ वो इसी तरह से खेलते रहेंगे, ताकि जब अन्यथा ओवर होते हैं, पिछले जो 4-5 ओवर रहेंगे, मुझे लग रहा है कि उन ओवर में ये प्रयास ज़रूर करेंगे। 22 ओवर की समाप्ति के बाद 157 रन, 5 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले खिलाड़ी आतिफ नबी, जिन्होंने 42 गेंदों में 56 रन बनाए हैं, मुंतजिर बशीर का शिकार बने। केएल रियाज ने आज निराश किया है, जो उमर लोन का आज शुरुआत में ही शिकार बने। उसके बाद आबिद नबी 46 गेंदों में 33 रन, जहांगीर लोन का शिकार बने। उसके बाद इस समय जहांगीर बाटा, जिन्होंने केवल एक रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, और इस समय जो है बल्लेबाज आसिफ रमजान और आमिर सोफी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, और यहां से अब केवल 8 ओवरों का खेल बचा है। अब आधी पारी जो है, आधी टीम जो है वो पवेलियन की ओर लौट चुकी है, अगर हम सिटी जिमखाना की बात करेंगे, और अब तक के जो है इसके बाद बल्लेबाजी बच रही नहीं है, तो अब आसिफ रमजान और आफिफ सोफी पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा। जहां गेलों चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, कट करने का प्रयास जरूर किया था वहां पर आसिफ रमजान ने, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। और जहांगीर लोन जो है वो बिल्कुल भी गति नहीं दे रहे बल्लेबाज को, और उनके चेहरे पे जो ये हंसी थी ये काफी कुछ बयान कर रही है, क्योंकि आबिद नबी के आउट होने के बाद ये सभी खिलाड़ी अब खुश नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से बहुत बढ़िया स्ट्रोक, इश्तियाक नाग वहाँ मौजूद है, लेकिन उन्होंने पूर्व अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया। एक रन वहाँ निश्चित तौर पे मिलने वाला है, इस एक रन के साथ 158 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का 23वां ओवर जहांगीर लोन डाल रहे हैं अपने कोटे का। ये 5वां ओवर अब तक 27 रन देकर एक विकेट कोई मैडन नहीं, हालांकि एक विकेट जो उन्होंने ली है आबिद नबी, जो एक बड़ा नाम जरूर है, और इस प्रतियोगिता में उन्होंने एक शतकीय पारी भी खेली थी, ऐसे में वो इस मैदान को भलीभांति जानते थे। जी बिल्कुल, आबिद नबी जैसे दिग्गज बल्लेबाज को चलता किया आज जहांगीर लोन ने, और आज काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से बढ़िया गेंद शरीर के आसपास थी, सम्मान के साथ खेला वहां पर आमिर मोंगा ने, रन बनाने का कोई संभावना नहीं, और एक बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज जहांगीर लोन की ओर से। कहीं ना कहीं यहाँ पर बीसीसी बारामूला ने एक अच्छी वापसी करी, एक समय ऐसा लग रहा था कि 220-230 के आसपास सिकोर जाएगा जब आसिफ रमजान और आबिद नबी बल्लेबाजी कर रहे थे, और इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि एक खिलाड़ी के तौर पे आप हौसला कभी नहीं हारे इस मैच में, अपने आप को एक वॉरियर के तौर पे पेश करें, क्योंकि ये खेल हमें दो ही चीज़ें सिखाती हैं, एक तो डिसिप्लिन और दूसरा हार न मानने का जज्बा, ये खिलाड़ी में होना चाहिए, अंतिम शरणों तक लगना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हमेशा करते नजर आते जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हम बातचीत करते हैं। हालांकि आज से 5-10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उसके लिए माने जाते थे, वो अंतिम शरणों के लिए प्रयास करते थे जीत के लिए। खैर आज तो भारत, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज सभी खिलाड़ी वही प्रयास करते हैं, वही रूप धारण करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वही मानसिकता होनी चाहिए एक खिलाड़ी के लिए। जी बिल्कुल, एक खिलाड़ी के तौर पर आपको हार कभी नहीं माननी चाहिए, तो स्पष्ट तौर पर दुरुस्त है। चलो एक बार फिर से पुल करने का प्रयास जरूर किया था वहां पर आसिफ रमजान ने, लेकिन अब की बार तेज तरार गेंद फेंकी जहांगीर लोन ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और आसिफ रमजान जो है वो इन 2 रनों के साथ पहुंच चुके हैं 45 रन पर, और केवल 5 रन दूर अपने अर्धशतक से। और व्यूअर्स आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आसिफ रमजान अपना अर्धशतक मुकम्मल कर पाएंगे? केवल 5 रन दूर है अपने अर्धशतक से सिटी जिमखाना का स्कोर 161 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 38 गेंदों में 45 रन बना के वो नाबाद है, 5 चौके
और एक छक्का उनकी पारी में मौजूद है। जहांगीर लोन अब उनके लिए गेंदबाजी करे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक गैप में, लेकिन वहां इश्तियाक नाग मौजूद हैं। उनके सर के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए स्कोर उछलता हुआ 65 रन, 5 विकेट के नुकसान पे 23 ओवर हुआ समाप्त। अब केवल 1 रन चाहिए अपने अर्धशतक की पारी को। जी बिल्कुल, आसिफ रमजान इस समय भागीदारी निभाती हुई अपनी टीम के लिए और जिसके लिए जिसकी दरकार थी यहाँ पर सिटी जिमखानों का। हालांकि उनके दिग्गज खिलाड़ी जो है वो इस समय पवेलियन के ओवरऑल लौट चुके हैं। आबिद नबी और आतिफ नबी, ये जो दो बल्लेबाज है ये भाई भी है आपस में और ये रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं अगर हम सिटी जिमखाना की बात करेंगे। लेकिन आसिफ रमजान जो है वो इस समय सारी जिम्मेदारी अपनी कंधों पे लेके बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये मैच भी इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप अब तक आंकड़े देखेंगे सिटी हंक्स जिमखाना की, अब तक उनकी गेंदबाजी जो है मेहनवाज वो सबसे बढ़िया रही है, उसी कारण से उन्होंने अब तक सारे मैचेस जीत के आए हैं। तो आज मजा आएगा जब दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी। व्यूअर्स लगातार लिख रहे हैं क्या आसिफ रमजान अपना अर्धशतक मुकम्मल करेंगे और ये देखने वाली बात होगी। अभी केवल 1 रन उनको बनाना है अपने अर्धशतकीय पारी को पूरी करने में। स्कोर इस समय 165 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। और उन्होंने एक अच्छी वापसी की है। आज सुबह हमने ये कहा था कि वो अपने लय में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पहले काफ़ी गेंदें उन्होंने खेली थी, बल्ले पे उस तरह के स्ट्रोक्स नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद एक बार वो क्लिक हुए ना मैदान के अंदर, उसके बाद उन्होंने पीछे छोड़ के नहीं देखा है। वसीम काचूर इस समय हमारे लाइव प्रसारण में आके पहुँच चुके हैं। एक बढ़िया खिलाड़ी हैं वसीम काचरू, इस समय हमारे लाइव प्रसारण में आ रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था ऑन साइड की ओर धकेला, वहां लॉन्ग ऑन के अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं, तब जाकर 2 रन उन्होंने पूरे किए हैं। इन 2 रनों के साथ 268 5 विकेट के नुकसान पर आमिर सोफी, आमिर मोंगा और आसिफ रमजान इस समय मैदान के अंदर हैं। आमिर मोंगा अब सामना करेंगे पीर आकिब का, जो कॉलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, पढ़ने के बाद और ज्यादा बाहर। निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए और ये वाइड का इशारा। जी बिल्कुल, और एक